मुझे 5 मिनट और दीजिए, मैं तो आप सबका स्वागत है न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हमारे फर्स्ट स्टेप में। ये कार्यक्रम जो हम इस संडे करते हैं, ये इस प्रोग्राम के तहत हम आपको बताते हैं बेसिक स्टेप्स। आपको मालूम होगा कि हर बुधवार और हर रविवार रात में 8 बजे हमारा हिंदी में वेबिनार होता है। बुधवार को हम लोग कंपनी के नए नए इन्फॉर्मेशन के बारे में तो के साथ साथ हम आपको न्यू और सीआरओ के प्रेजेंटेशन के बारे में बताते हैं। हमारा पोर्टफोलियो क्या क्या है, हमारा बिजनेस क्या है, हमारा एजुकेशन क्या है। आपको पता होगा हमारी कंपनी के 3 मेन पिलर्स हैं, एजुकेशन, ओनरशिप एंड बिजनेस। तो इन तीनों की जानकारी आपको मिलती है बुधवार के कार्यक्रम में, बुधवार को जो हमारा वेबिनार होता है। और साथ ही साथ संडे को जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, संडे को जो होता है कि हमारा बेसिकली बैक ऑफिस मार्केटिंग प्लान के ऊपर होता है। बट इधर कुछ समय से आप लोग जान रहे होंगे कि जो हमारा जो हॉट टॉपिक है, जो इस बारे में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन एक्सचेंज। तो इस बारे में हम लोग जो संडे को जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारा संडे का जो बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है, ये मूलतः ब्लॉकचेन और एक्सचेंज के ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करके मैं आपको आगे चलता हूँ। मैं आपको अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम प्रवीण राय है, मैं स्ट्रक्चर प्रोग्राम के तहत लीडर मैनेजर हूँ। और जो हमारे इंडिया का हेड ऑफिस है दिल्ली में, मैं उसका लीडर मैनेजर, मैं उसमें ऑफिस मैनेजर हूँ और एक प्रोफेशनल स्विमिंग ट्रेनर हूँ। क्योंकि यहाँ समय कम है तो मैं जल्दी जल्दी से आगे बढ़ूंगा ताकि आप लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी हम दे पाए। और मैं बात करता हूँ सिस्टम के रचयिता के बारे में, इस क्रिएटर के बारे में। जितनी तारीफ की जाए इनके, इतने इनके बारे में उतनी कम है। और ऑलमोस्ट हम सभी लोग जानते हैं इनके बारे में, बट फिर भी इनके बिना बताए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इनके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। हर हफ्ते में कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलती रहती है। मैं बात करूंगा मिस्टर एंड्रयू हरतॉस सर के बारे में, जो सीईओ हैं हमारे अकेडमी ऑफ प्रॉफिट इन्वेस्टर के और हमारे इस न्यू ग्रुप के रचयिता हैं। सीईओ हमारे इस सीईओ को कंपनी को बनाया उन्होंने, और जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को आज पूरी दुनिया में हलचल कर रखी है, जिस प्रोजेक्ट ने पूरे वर्ल्ड के लोगों को हिला कर दिया है, कैसे पूरा वर्ल्ड के 15% आबादी एक सिंपल एक प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगी। उस प्रोजेक्ट का नाम है सीआरयू, क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम। ये उन्होंने उसको जन्म दिया है, इन्होंने उसको क्रिएट किया है। तो जितनी तारीफ की जाए सर के लिए उतना कम है कि दुनिया इन्होंने दुनिया का ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, ऐसा दुनिया का ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो अब तक कहीं पर नहीं था, जिसके माध्यम से हम लोग को ओनर बनते हैं। अब तक हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में सिर्फ मेंबर बनते थे, बट एंड्रया हर्ता सर की वो सोच है, सर की वो दूरदर्शी सोच है, जिन्होंने जिनकी वजह से हम लोग आज सह मालिक बन रहे हैं। बहुत तो मुश्किल होता है आज के टाइम पर इतनी महंगाई में और इतनी कम इनकम में हम लोग छोटा सा बिजनेस कर पाए, हम लोग मालिक बन पाए, बट आज हम लोग दुनिया के बड़े बड़े पोर्टफोलियो में सह मालिक हैं, सिर्फ और सिर्फ एंड्रयू हर्ता सर की बदौलत। तो इनको जितना नमन किया जाए, जितना इनको थैंक यू बोला जाए, उतना कम है। ये होस्ट करते हैं सीक्रेट ऑफ मिलेनियर प्रोग्राम को, जो कि आप लोग जानते हैं बहुत फेमस प्रोग्राम है, बैग ऑफ पीस, और आपके वर्ल्ड जर्नल ऑफ पीस के भी ये मेंबर है, चेयरमैन है ये। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, हम लोगों ने एक नया अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है और इसको हम लोगों ने इसको मार्केट में इसको उतारा हुआ है, गूगल पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जानकारी होगी आपको कि हमारा एक प्रोग्राम होने वाला था 29 मार्च को, 29 मार्च को हम प्रोग्राम करने वाले थे अपना सीआरयू की फर्स्ट एनिवर्सरी का। इसके लिए हमें लोगों को इन्वॉल्व करना था, टिकट सेल करने थे, उनको उस मीटिंग में लाना था, उस सेमिनार में। तो उसके लिए हमारी कंपनी ने अपना एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, एप्लीकेशन हमने लॉन्च किया, इसका नाम था वन टीम बस। इसको आप गूगल पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं बताऊँ आपको, इस एक एप्लीकेशन को सिर्फ आप टिकट बाय करने के लिए या एक प्रोफाइल बना करके उसको होल्ड करने के लिए या सिर्फ चैटिंग करने के लिए नहीं समझ, मत समझिए, ये आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे है। इस एप्लीकेशन को हम लोग उस लेवल तक प्रमोट कर सकते हैं, उस लेवल तक ये जा रहा है जिस लेवल तक अभी आप लोगों ने कल्पना ने भी नहीं की होगी। तो फ्रेंड्स, जितने लोगों ने इसको इंस्टॉल नहीं किया है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। उसमें इंस्टॉल करने के बाद आपको उसमें एक्टिवेशन कोड मांगेगा, जहां पर आपको न्यू डालना है, NEEW। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको उसमें एंटर करना है। जैसे ही ओटीपी आप एंटर करेंगे, उसके बाद एक ऑप्शन आपको आएगा अपना, आप मेंबर हैं या लीडरशिप काउंसिल मेंबर हैं, तो आपको मेंबर पे क्लिक करना है। अगर आपने गलती से भी लीडरशिप काउंसिल मेंबर पे क्लिक कर दिया तो वो आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होगी। तो आपको मेंबर पे क्लिक करना है, नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, फोटो और डेट ऑफ बर्थ उसमें अपलोड करना है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज
आप सब लोग उसमें अपनी फोटो लगाइएगा, कोई वॉलपेपर या किसी बच्चे की फोटो या कोई ऐसी फोटो मत लगाइएगा, नहीं तो आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होगी। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है आपको वहां पे अपनी फोटो लगानी है, ओके। उसके बाद फिर आपको एक लिस्ट आएगी, एक कैटेगरी आएगी आपको अपने लीडर सेलेक्ट करने के लिए। आप जिस लीडर को जानते हैं, जिस टीम से आप बिलोंग करते हैं, उस टीम के मेंबर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके पास आपकी अप्रूवल जाएगी और जैसे ही वो अप्रूव करेंगे फिर आप आगे उसमें अपना अपने अकॉर्डिंग उसमें आप डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, आप अपने टिकट सेल कर सकते हैं, टिकट अपना बाय कर सकते हैं और इस ऐप को आपको सबको पहुंचाना है क्योंकि बहुत जल्द हमारा एक प्रोग्राम दोबारा फिर होगा, उसके बारे में अभी आगे मैं साइट बताऊंगा आपको मैं, लेकिन उसके लिए भी आपको इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज आप सब लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और जो भी प्रॉब्लम हो आप अपने कंसर्न मेंबर से या लीडरशिप काउंसिल मेंबर से या मुझसे पर्सनली फोन करके पूछ सकते हैं। तो पहले तो एक बैड न्यूज आपको दूं, बहुत दुख है हम सबको, बहुत ज्यादा दुख है कि जो हमारा सीआरओ की जो फर्स्ट एनिवर्सरी होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है, पोस्टपोन हो गई है ड्यू टू कोरोना वायरस प्रॉब्लम। आप सब जान रहे हैं कि इस टाइम पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो महामारी घोषित हुई है वो है कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इंडिया ने आज क्या किया, इंडिया के मतलब मीडिया ने और इंडिया गवर्नमेंट ने सारी इंटरनेशनल फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है, वीजा कैंसिल कर दिया है, तो जिसकी वजह से सारा आवागमन रुक चुका है। तो उसको देखते हुए हमारी लीडरशिप काउंसिल मेंबर की जो टीम है, हम लोगों ने आपसी सहमति से इस प्रोग्राम को हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे मई और जून के महीने में होगा, अब तक गर्मी का काफी बढ़ चुकी होगी, इस वायरस का असर काफी कम हो चुका होगा, तो सब लोग स्वस्थ तरीके से, सब लोग मेंटली फ्री तरीके से इंडिया में सॉरी दिल्ली में आप आ पाएंगे और इसमें आप लोग हिस्सेदारी अपनी ले पाएंगे, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल लेवल के लीडर्स को भी आना था। आपको पता होगा हमारे यहाँ प्रमोशन कर रहे थे कंपनी की प्रेसिडेंट काउंसिल की चेयरमैन मिला सरजुगवान मैम, एंड्रू हॉक सर, अरिन सर और आपके वैलेंटीन सर, ये सब लोग इंटरनेशनल टॉप इंटरनेशनल लीडर्स हमारे इंडिया में आने वाले थे इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, आपको बिल्कुल कंपनी की नई नई जानकारी देने के लिए, नई अपडेशन देने के लिए एज अ स्पेशल गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट इंडिया आ रहे थे। तो इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से इस प्रोग्राम को हमें पोस्टपोन करना पड़ रहा है और हमारे कंपनी डायरेक्टर हरविंदर सिंह हरी सर भी इस टाइम इटली में है, उनकी फ्लाइट भी इंडिया नहीं आ पा रही थी, सर दो दिन एयरपोर्ट पर रुके कि कैसे भी कुछ पॉसिबिलिटी हो जाए कि वो इंडिया आ पाए और उस प्रोग्राम को चला सके, बट परमिशन नहीं मिली, वो दो दिन एयरपोर्ट पर है और गवर्नमेंट ने उनको अलाउ नहीं किया इंडिया आने के लिए, तो इसलिए हम सबकी सहमति से इस प्रोग्राम को पोस्टपोन किया गया है जो कि अब मई और जून में होगा। तो बहुत ही दुख की खबर है, आप लोगों ने अपने अपने टीम में वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवा के टिकट सेल कर लिया था, लोगों को करवा दिया था मास्टर ट्रॉफी ट्रेनिंग के लिए, अपने उसमें लोगों को टिकट बाय करवा दिया था, वो EIP फाउंडेशन ऑफ सक्सेस पैकेज को बाय करा दिया था। बट मैं आपको ये सूचना दे दूं, आप जितने लोगों ने टिकट को बाय किया है, जितने लोगों पास टिकट है और जितने भी लोगों ने मास्टर ट्रॉफी का पैकेज बाय किया है वो सब सेफ है। जैसे ही हम मई और जून में प्रोग्राम को दोबारा कंटिन्यू करेंगे आपके उसी टिकट से आपकी एंट्री होगी, तो जितने भी लोगों ने आपने टिकट बाय किया है सब टिकट सेफ है, सारा पैसा सेफ है, वो उसी टिकट पे उनकी एंट्री होगी मई और जून महीने में जब भी हम करेंगे। वेबिनार के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, बैक ऑफिस के माध्यम से आपको सूचना मिलती रहेगी कि हम कैसे इस प्रोग्राम को अब करने वाले हैं और आपको पूरी उसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, बिल्कुल भी आप लोग उसमें चिंता नहीं करनी है कि हम लोग टिकट बाय कर लिया है, हमने गोल्ड लिया, प्लेटिनम या सिल्वर डायमंड पैकेज बाय किया हुआ है और प्रोग्राम के पोस्टपोन हो गया है, चिंता ना करिए, वो पूरा पैसा सेफ है, वो टिकट वही टिकट से आपकी एंट्री दोबारा होगी। तो प्लीज ये दुखी खबर है, मैं आपको देना चाहता था। और अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी, ऐसे पहले मैंने बैड न्यूज दिया था, अब मैं आपको देता हूँ एक बहुत अच्छी गुड न्यूज। हमारी सीआरओ की एनिवर्सरी जो कि 30 मार्च को, जब एक साल हमारे सीआरओ एक साल हो जाएगा, हमारे सीआरओ जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये वो प्रोजेक्ट है जो दुनिया के 15% आबादी को सह मालिक बनाने वाला है, इसको एक साल हो जाएगा, हम लोग बहुत सब धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करेंगे इंडिया के न्यू दिल्ली हेड ऑफिस में। मैं फिर से आपको बता दूं हमारा वो प्रोग्राम कैंसिल पोस्टपोन हो गया है आपका, लेकिन मैं इंडिया के हेड ऑफिस में इसको सेलिब्रेट करूंगा। तो जो भी लोग दिल्ली के आसपास के जिलों में रहते हैं, दिल्ली के आसपास मतलब दिल्ली में रहते हैं, जो भी अपना 2 घंटे का समय 1 घंटे का समय निकाल कर उस दिन आ सकते हैं, हम एक छोटा सा एक प्रोग्राम करेंगे और उसको मैं ट्राई करूंगा कि लाइव आपको दिखाऊं। बट फिर भी हम उस स्टेडियम में तो नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पे हमारा वेन्यू था, बट हम दिल्ली के ऑफिस में इसका एक ओकेजनली इसका प्रोग्राम को हम सेलिब्रेट करेंगे। तो 30 मार्च 2020 को हमारा सीआरओ एक साल हो जाएगा। आप 30 मार्च को दिल्ली ऑफिस में, जो भी दिल्ली में रहते हैं या जो आपके जानने वाले रहते हैं उनको भेज सकते हैं और वहां से हम एक प्रोग्राम करेंगे और कुछ नए कंपनी की नई आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये गुड न्यूज है, चलिए आगे चलते हैं।
अब मैं कुछ देता हूँ कंपनी न्यूज देता हूँ, क्योंकि आपको जानकारी होगी कल हमारा वेबिनार हुआ था, काफी लोग उसमें इन्वॉल्व हुए होंगे, काफी लोगों ने जानकारी ली होगी, बट वो इंग्लिश में था, काफी लोगों के फोन मेरे पास मैसेज आ रहे थे सर उसको हिंदी में बताइए, तो मैं उसमें से कुछ चुनिंदा न्यूज को मैं कॉपी करके आपको हिंदी में बताता हूँ कि वो न्यूज क्या है। सबसे बड़ी न्यूज वीआईपी क्लब की, आपको पता होगा कि हमारी कंपनी ने एक नया क्लब लॉन्च किया है वीआईपी क्लब, जिसकी सूचना आपको मिलती रहेगी कब ये लॉन्च हमारा होगा, कब इसकी डेट होगी, कैसे उसमें हम एंटर करेंगे, ये सूचना आपको बैक ऑफिस से मिल जाएगी। बट अभी जो कल न्यूज दी गई है उसके बारे में बता दूं वीआईपी क्लब क्या है। वीआईपी क्लब में सबसे बड़ी बात क्या है, इस कंपनी के लिए जो लॉयल पर्सन हैं, जो कमिटेड हैं इस कंपनी के लिए, जो तन मन धन से लगे हुए हैं इस कंपनी में, ये वीआईपी क्लब उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। जो इसमें पार्टिसिपेट, वही लोग पार्टिसिपेट इसमें करेंगे जो बिल्कुल सोचते हैं कि वो बिल्कुल तन मन धन से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंपनी को अपना कीमती समय दे रहे हैं, अपना जीवन दे रहे हैं, तो इस क्लब में उनको काफी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, एडिशनल बोनसेस एंड डिस्काउंट्स ऑन कंपनी प्रोडक्ट्स। आपको पता होगा इंद्र होटा सर ने पिछले महीने कुछ समय पहले एक अपना वेबिनार किया था, और उसमें उन्होंने दो वेबिनार इतने में किए थे। पहला वेबिनार था ओपन वेबिनार, और सेकंड वेबिनार था कंसल्टेंट एंड अबव रैंक के लिए। तो उसमें आपको एक जानकारी दी गई थी कि वीआईपी क्लब जो हमारा बन रहा है इसमें आपको क्या होने वाला है। जो भी लोग वीआईपी क्लब के मेंबर बनेंगे, ये उस कंसल्टेंट लेवल एंड अबव रैंक जो वेबिनार होंगे, स्पेशल न्यूज जो उनको दी जाएंगी, फर्स्ट न्यूज मिलेगी, ये उनके लिए कंपनी उनको अलाउ करेगी, मेंबर्स को, वीआईपी क्लब के मेंबर्स को अलाउ करेगी। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि कंपनी की फर्स्ट हैंड न्यूज उनको मिले, वो न्यूज मिले जो सिर्फ टॉप रैंक होल्डर्स को मिलती है, जो कंपनी देना चाहती है वो आपको भी मिले, एज अ जनरल पार्टिसिपेंट आपको मिले, तो आपको वीआईपी क्लब का मेंबर बनना है, सूचना आपको मिल जाएगी कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात, एडिशनल लॉयल्टी बोनस। फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है कि हमें एक्स्ट्रा इनकम के लिए कंपनी ने ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया, वीआईपी क्लब लॉन्च किया, जिसके माध्यम से हमारी इनकम बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। इस क्लब को आपको अपनी पूरी टीम में प्रमोट करना है, इस क्लब को आपको हर एक बंदे को उसको फायदा बताना है, हर मेंबर को फायदा बताना है कि इस क्लब का फायदा क्या है, इससे हमारी बहुत अच्छी इनकम होने वाली है। मैं भी जैसे भी ऑफिशियल न्यूज बैक ऑफिस में न्यूज आएगी आपको न्यूज फॉलो करनी है, और किसी भी कोई भी क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल न्यूज ही फॉलो करनी है। ध्यान रखिएगा, आप अगल बगल से न्यूज मत लीजिएगा, आपको जो भी न्यूज ऑफिशियल जो बैक ऑफिस पर दिखाई देगी वो सत्यता प्रमाणित होगी, आपको भ्रमित नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जैसे मैंने बोला, सीआरयू रिपोर्टिंग मीटिंग में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जो एडिशनल जो मीटिंग हमारी होगी। अब इंद्र सर ने बोला क्या डिसाइड किया हुआ है कि कुछ मीटिंग्स हमारी जो ओपन होती है उसमें हम एक जनरल डेटा शेयर करेंगे, और जो हमारी वीआईपी क्लब की जो मीटिंग होगी उसमें हम वो डेटा शेयर करेंगे, वो हम सूचना आपको प्रदान करेंगे जो कि आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी होगी और जिसमें आपको जानना ही चाहिए, लेकिन वो सबके लिए नहीं होगी क्योंकि सबकी समझदारी अलग अलग है। एक पार्टनर और एक प्रेसिडेंट की समझदारी और ज्ञान में बहुत जमीन आसमान अंतर है, तो कैसे एक ही खबर अगर दी जाएगी, उसी खबर को पार्टनर अलग तरीके से बिहेव करेंगे, और जो हमारे प्रेसिडेंट लेवल के होंगे, टॉप मैनेजर होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो अलग तरीके से लेंगे, क्योंकि उन दोनों ने अलग अलग समय दिया है। प्रेसिडेंट ने अपना तन मन धन लगाया हुआ है, काफी समय इस बिजनेस को दिया हुआ है, तब जाकर के आज वो बने हैं, और पार्टनर बनने के लिए आपको सिर्फ 50 यूनिट की खर्च करना होता है। तो दोनों की समझदारी में, दोनों के ज्ञान में काफी बड़ा अंतर होता है। तो आप इस वीआईपी क्लब के मेंबर बनिए, और फर्स्ट हैंड न्यूज आपको जो मिलेगी, अच्छी न्यूज आपको मिलेगी, वो आपको पहले मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात आपकी, इसमें बता दूं आपको मैं, इसकी क्लब की कुछ फीस होगी, फीस अभी डिसाइड नहीं हुई है, जो कि 10 यूनिट से लेकर के और ज्यादा हो सकती है, हर रैंक के हिसाब से अलग अलग होगी। जैसे आपको पता होगा, अभी हमारी कंपनी ने बैक ऑफिस पर पीछे एक सर्वे किया था, एक सर्वे हुआ था, उसमें आपको एक फॉर्म भरा, एक फिलअप हुआ था, उसमें लाखों लोगों ने उसमें सर्वे में पार्टिसिपेट किया, उसमें पूछा गया था कि क्या 10 यूनिट की फीस सबके लिए बराबर कर दी जाए या हर रैंक के हिसाब से अलग अलग की जाए। तो उस सर्वे का अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, हमारे जितने मेरे जानने वाले, हम सब लोगों ने बोला है कि सब हर रैंक के लिए अलग अलग फीस होनी चाहिए, जो जितने बड़े पद पर होगा, जो जितने बड़े रैंक पर होगा, उसको उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। अभी ऑफिशियली कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ है, आपको वेट करना पड़ेगा, बट इसकी स्टार्टिंग 10 यूनिट से हो सकती है, ये अनुमानित हमारी फीस है। आगे बढ़ता हूं मैं, लेकिन फिर भी एक बात मैं बोलूं आपको, अपने पूरे टीम को, अपने मेंबर्स को, अपने पार्टनर्स को प्रमोट करिए वीआईपी क्लब के लिए। जिस दिन लॉन्च होता है, जिस दिन भी ये क्लब हमारा लॉन्च होगा, जिस दिन भी इसकी मेंबरशिप हमारी आएगी, हमें तुरंत इसका मेंबर बनना है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। आगे चलता हूं मैं। ओके, सेकंड सबसे बड़ी न्यूज हमारी आई, जितने भी लोग हम लोग क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अपने अकाउंट को, अपने वॉलेट को टॉपअप करेंगे, उसमें आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों क्या आ रही है, आप लोग मुझे फोन करते हैं, बात करते हैं कि सर इंटरनेशनल मार्केट पूरा एकदम धड़ाम हो चुका है, गिर चुका है इंटरनेशनल मार्केट,
यूएस डॉलर जो हमारे इंटरनेशनल जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत हाई हो चुकी है, जिसकी वजह से जब वो लोग अपने वीजा और मास्टर कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई जा रही है। आप सबकी बात समझता हूं मैं, और उसी को देखते हुए कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको जो क्रिप्टो करेंसी से मिलता था इसकी डेट 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। उसी को देखते हुए जिसकी डेट 15 मार्च खत्म हो जानी थी, कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट के प्रॉब्लम को क्राइसिस को देखते हुए 31 मार्च तक इसको प्रमोशंस को बढ़ा दिया है। अब आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अपनी टीम को प्रमोट करिए, जो भी जिनको भी अपनी अच्छी नॉलेज है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में वो अपनी पूरी टीम को गाइड करें, वेबिनार करें, उनको लेके ग्रुप मीटिंग करें और उनको क्रिप्टो करेंसी से वॉलेट में टॉप अप करना सिखाएं, ये बहुत जरूरी है। फिर से आपको बता दूं हम लोग ब्लॉकचेन पर आ चुके हैं, हमारा अपना इंटरनल एक्सचेंज आ चुका है जिसके बारे में अभी आगे बताऊंगा मैं। तो आपको जानना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन क्या है। क्रिप्टो करेंसी आप तो आप ही जानते हो कि इंडिया में गवर्नमेंट ने उसको लीगल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें अब लीगल हो गया है। तो फिर अब आप लोग सोच क्या रहे हैं, आप लोग को मेनली करना क्या है, आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी को समझना है। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ स्कैम नहीं है, क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ी एक इवोल्यूशन है, इस इवोल्यूशन को आपको पहचानना है। और उसके सबसे बड़ी बात आपको ब्लॉकचेन को रीड करना है, ब्लॉकचेन को रीड करिए, उनको समझिए, ब्लॉकचेन के बारे में सर्वे करिए। ब्लॉकचेन को जितना ज्यादा आप समझेंगे, जितना ज्यादा आप इसमें गहराई में उतरेंगे, उतनी आपको समझ में आएगी कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। इंटरनेट के जन्म के बाद से दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस प्लेटफॉर्म है। इंटरनेट के बाद से जो सबसे बड़ी खोज मानी गई इंटरनेट धरती पे, इस ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा एवोल्यूशन आया वो इंटरनेट था इस करंट सिनेरियो के हिसाब से। उसके बाद ब्लॉकचेन उस लेवल की टेक्नोलॉजी है जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बन सकती है और बन रही है। इसको रीड करिए और हमारी कंपनी बार बार फोकस कर रही है, हम लोग बार बार आपको अवेयर कर रहे हैं। पिछले काफी टाइम से वेबिनार कर रहा हूँ ब्लॉकचेन के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप लोग ट्रेडिशनल मोड को छोड़ करके आप लोग क्रिप्टो करेंसी पे और इनसे इसके थ्रू आप पेमेंट करिए। इसके थ्रू आपको पेमेंट करना है, इसके थ्रू आपको टॉपअप करना है ताकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। आप लोगों ने वीजा कार्ड से पेमेंट करते हैं, आप लोग पहले डिफरेंट डिफरेंट मोड से पेमेंट करते हैं, वहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता आपको। लेकिन एकलौता प्लेटफॉर्म हमारा क्रिप्टो करेंसी है जिसके माध्यम से आपको 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो प्लीज आप सभी लोग क्रिप्टो करेंसी का यूज करिए और इसके थ्रू अपने अकाउंट को वॉलेट को टॉपअप करिए, और जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च तक बढ़ चुकी है। इसमें हमारे बता दूं आपको मैं, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश के माध्यम से आप टॉपअप कर सकते हैं। तो जिसके पास कोई डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन में जिनके अकाउंट बने हुए हैं वो उनके पास कोई और करेंसी है तो वो अपने डिफरेंट, जैसे लाइक एग्जांपल दूं मैं कॉइन बेस है, या आपको मैं एग्जांपल दूं ब्लॉकचेन है, इस पे आप अगर आपके पास कोई और करेंसी है तो उसको आप म्यूचुअली एक्सचेंज कर सकते हैं अपने डिफरेंट करेंसी को, बिटकॉइन में, इथेरियम में, लाइटकॉइन में, और उसको एक्सचेंज करने के बाद उसको अपने आप वॉलेट से आप वॉलेट में जाकर के टॉप अप कर सकते हैं जिसमें आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कंपनी भी आपको बता रही है, हम भी बता रहे हैं आपको वेबिनार करके कि ब्लॉकचेन का यूज करना सीखिए, क्रिप्टो करेंसी के युग को पहचानिए, दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। आज अगर क्रिप्टो करेंसी इंडिया में काफी टाइम से बैन ना हुआ होता, काफी टाइम से इंडिया में अगर ये इसके में पीछे कोई रुकावट ना होती तो आज मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अमीर होते, उनके पास बहुत बड़ी संपत्ति होती। तो फ्रेंड इसको पहचानिए, ये बहुत बड़ी ज्ञान का सूत्र है, जितना ज्यादा इस ज्ञान को लेंगे उतनी जल्दी आप इस ट्रेडिशनल में, इस मार्केट में और आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। और जैसा कि आप लोग सबसे ज्यादा इस टाइम क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा 9 मार्च को हमारी कंपनी ने अपना इंटरनल एक्सचेंज ओपन कर दिया है, उसकी सूचना भी आपको मैं आगे दूंगा। 9 मार्च को हमारा एक्सचेंज अपना इंटरनल एक्सचेंज ओपन हो चुका है, जिसमें से जिन लोगों ने भी फर्स्ट फेज में मार्च के मंथ में 2019 में अपना फर्स्ट फेज में सीआरयू का पैकेज, ईआईपी पैकेज बाय किया था, वो इस समय अपना सीआरयू को रिलीज कर पा रहे हैं टोकन को इंटरनल एक्सचेंज के माध्यम से। तो आप सबको मैं एक नई जानकारी दे दूं, जो कि जानकारी आपके पास पहले से होगी, पर जब से ये हमारा इंटरनल एक्सचेंज लॉन्च हुआ है उसके बाद से हमारा वेबिनार अभी ज्यादा नहीं हो पाए हैं। पिछली बार जो बुधवार को था, जो अमित सर ने लिया था, उसमें आपका बिजनेस के बारे में था तो उसमें इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाए थे पूरी को। बट आज चूंकि थोड़ा समय मिला हुआ है तो मैं चाहता हूँ उसके बारे में बताऊँ आपको। लॉकअप के पीरियड में कुछ आपके रूल्स हैं, कुछ आपके कुछ नियम बनाए गए हैं। अभी जो मैं जो बताने वाला हूँ ये वो हैं जो आपने बाय किए थे, ऊपर जो लिखा हुआ है ये आपके बोनस हैं। तो पहले मैं बताता हूँ आपने जो पैकेज बाय किए थे, आप 1% पर मंथ आप अपने सीआरयू को टोकन को रिलीज कर पाएंगे। फिर से बताऊँ आपको मैं, सिर्फ 1% पर मंथ आप अगले 6 महीने तक हर महीने आप 1% इसको रिलीज कर पाएंगे अपने टोकन को, और इसको आप 2 मोड में रिलीज कर सकते हैं, पीयर टू पीयर और ओपन मार्केट में। पीयर टू पीयर मतलब कि जैसे कि मैं आपको बताऊं,
आज आपने हमारा फ्लायर देखा होगा, बैक ऑफिस न्यूज भी लिखी होगी। आज हम लोग इंडिया में पहली बार हमारे हिंदी वेबिनार में हम लोग डुअल होस्टिंग के साथ वेबिनार कर रहे हैं। अभी आगे हमारे एक सरप्राइज गेस्ट हैं जिनके बारे में लोग फ्लायर भी देख चुके होंगे, वो आपको पूरा पूरा एक नॉलेज देंगे, पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे कैसे हमारे सीआरयू को हम ओपन मार्केट में या पीयर टू पीयर हम इसको रिलीज कर सकते हैं। उसकी जानकारी अभी आपको आगे मिलेगी, मैं सिर्फ अभी ओरली बता रहा हूँ क्योंकि ये अगर मैं पूरा बता दूंगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। जो आप आदमी को प्रैक्टिकल देखना है वो ओरली नहीं सुनना चाहता है, तो मैं शॉर्ट में इसको खत्म करना चाहूंगा। हम 1% पर मंथ सेल में इसको रिलीज कर पाएंगे अपने 1 से 6 महीने तक, उसके बाद 7वें महीने से लेकर 12वें महीने तक हम 1.5% पर मंथ हम इसको रिलीज कर पाएंगे और आगे आगे सो ऑन ऐसे हम इसको रिलीज कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जो हमारे बोनस है, जो हमने टीम ले अपनी टीम में अपने लोगों को हमने पैकेज बाय करवाए हैं, जो उनसे हमको बोनस आया हुआ है या जितने लोग इवेंट में गए थे उनको जो बोनस मिले हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको 540 डे का वेटिंग पीरियड है, आपको लॉकअप है। आप 540 दिन के बाद आपका बोनस अकाउंट, बोनस सीआरयू का लॉकअप ओपन होगा और उसके बाद आप इसको रिलीज कर पाएंगे। तो उसके जैसे भी होगा आपको बैक ऑफिस रिव्यूज मिलती रहेगी, बैक ऑफिस को फॉलो करिए। और मैं फिर से बताऊं, आप सिर्फ वॉलेट सेक्शन को ओपन करके मत रखिएगा, आपको हमेशा अपना न्यू सेक्शन फॉलो करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप न्यूज फॉलो करेंगे बोनस आपको उतना ज्यादा बढ़ेगा। फिर से बताऊं, हम लोग सुबह सुबह लॉग इन करते हैं, जब टाइम मिलता है हम लॉग इन करते हैं, अपना हम वॉलेट चेक करते हैं, और अगर उसमें अगर 2-4 यूनिट भी हमको एक्स्ट्रा मिलता है तुरंत हम जाते हैं स्टैटिक्स पे, हम एक्यूरल पे क्लिक करते हैं, हम देखते कहां से आया हुआ है। बट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, वॉलेट तब बढ़ेगा जब हमारा हम न्यूज फॉलो करेंगे। सिर्फ वॉलेट फॉलो करने से वॉलेट नहीं बढ़ेगा, आपको जरूरी है कि आप न्यूज फॉलो करिए, जो भी न्यूज आ रही है आपको अपने लोगों को बताना है, अपने नए पार्टनर्स को बताना है, अपनी टीम को बताना है, ताकि वो मोटिवेट हो, इंकरेज हो और वो आगे काम करें। हमारी कंपनी हर एक पॉइंट पर न्यूज में उसको एंटर करती है, न्यूज में उसको डालती है, तो फॉलो करिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। आगे चलते हैं, तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, मैं यहाँ एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ कि जिसने भी लास्ट ईयर 30th of March 2019 को अपना EIP पैकेज बाय किया था, फर्स्ट फेज में, फर्स्ट स्टेज में बाय किया था, उनका रिलीजिंग जो टाइम है वो इस टाइम आ चुका है, 9 मार्च से ओपन हो चुका है। तो ये एक एग्जांपल है अपने कि जिसने भी फर्स्ट फेज में, फर्स्ट स्टेज में लिया हुआ था, उनका रिलीज करने का टाइम आ चुका है, वो 9 मार्च के बाद से अपने सीआरयू को ओपन मार्केट में या पीयर टू पीयर रिलीज कर पा रहे हैं। इसका अभी एग्जांपल, लाइव एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल करके हमारे सरप्राइज जो गेस्ट हैं आपको बताएंगे। और दूसरी बात, हमारे अंदर सर ने कुछ समय पहले एक वेबिनार किया था, उसमें उन्होंने बताया था जितने भी पर्सन अपने सीआरयू को अनलॉक करेंगे और वो उसको रिलीज नहीं करना चाहते हैं, बस अनलॉक करके रखना चाहते हैं, तो हम एक उनके लिए एक नया अकाउंट बना के देंगे, डिपॉजिटरी अकाउंट बनेगा स्टेकिंग के लिए, वो अपने सीआरयू को उसमें भी होल्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा इनकम आएगी। फिर से कह रहा हूँ, हमारे इस प्रोग्राम को समझिए, हमारे अंदर सर की सोच को समझिए, वो चाहते हैं कि हमसे जुड़े हुए 12,74,000 लोग आज तो काफी बढ़ चुके होंगे, अप्रॉक्स 13 लाख के हम आसपास आने वाले होंगे, 13 लाख लोग इसमें कमाएं, कोई भी इसमें म्यूचुअली ऐसे ना बैठा रहे इसके पास इनकम ना जाए। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा वीआईपी क्लब एक ऐसा क्लब होगा जिसमें आपकी बहुत अच्छी इनकम आएगी, इसको अगर हमने अच्छे से प्रमोट कर ले गए तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम का बहुत अच्छा सोर्स बन जाएगा, एक सोर्स बन जाएगा। वैसे ही जितने भी लोग अपने सीआरयू को अनलॉक करेंगे वो इसको डिपॉजिटरी अकाउंट में रख सकते हैं, जिसमें उनको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, जिसमें कि इसकी डेट अभी हम आगे डिस्क्लोज करेंगे। इसका बैक ऑफिस की न्यूज फॉलो करिए और जैसे कोई न्यूज आएगी हम वेबिनार के माध्यम से या अपने लीडर्स को बैक ऑफिस के माध्यम से हम इसको प्रमोट करेंगे। बट अभी क्या है, पहले महीने आपको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, 1% आपको मिलेगा पर मंथ। लेकिन फिर से नीचे आप देख पा रहे होंगे, जितने भी सीआरयू आप अनलॉक करके इसे अपने डिपॉजिटरी अकाउंट में रखेंगे उसके बिहाफ पे आपको सीआरयू ही मिलेगा, क्योंकि एक माइनिंग फर्म है, ये एक माइनिंग के थ्रू इसको हम काम करेंगे। जो लोग ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं, जो लोग क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं, समझ रखते हैं, उन्हें पता होगा माइनिंग क्या होती है। तो माइनिंग के माध्यम से हम इसमें सीआरयू को होल्ड करेंगे और सीआरयू ही उसमें जनरेट होकर आएगा, जो कि 1% मिलेगा, और तीसरे महीने वो 1.2% हो जाएगा, छठे महीने से वो 1.5% एक्स्ट्रा हो जाएगा, और आप यहाँ देख पा रहे होंगे 24वें महीने वो 2.5% हो जाएगा। मीन्स दो साल होते होते आपको उसमें 2.4% आपको मिलता रहेगा, 2.5% में आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो जाएगी कि आपके सीआरयू अनलॉक करके रखेंगे और आपको उसमें एक्स्ट्रा सीआरयू मिलेंगे। ये माइनिंग के तहत होता है, इसमें आपको आगे चल के और आपको समझदारी आपको होगी, वैसे हम आपको न्यूज देख रहेंगे। आगे चलते हैं,
और जैसे कि आप हम लोग काफी टाइम से न्यूज दे रहे थे, बैक ऑफिस में न्यूज भी आई थी कि हमारी कंपनी, हम लोग ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए हम टीम हायर कर रहे हैं, हम लोगों को हायर कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं। आप बीच में एक आपका एक वहाँ पे पेज भी आया था, एक सर्वे फॉर्म भी आया था, जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके तहत कंपनी ने कुछ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट टीम को हायर किया, उनका इंटरव्यू लिया हुआ है और जिसके माध्यम से उसमें से कुछ सिलेक्शन हुआ है। मैं फिर से बता दूं, अभी 9 मार्च 2020 को हमने इंटरनल एक्सचेंज ओपन किया है, हम अभी इंटरनली अपने सीआरओ को रिलीज कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही अंत नहीं है, हमारी कंपनी की सोच है बहुत दूर की सोच है, हम लोग जितना सोचते हैं वो उससे कहीं ज्यादा आगे पहले सोच चुके होते हैं। सबको पता है, हम सबकी सोच यही है कि आगे आने वाला जमाना ब्लॉकचेन का है, हम हर एक चीज में, हर एक सेक्टर में, हर एक सेगमेंट में हम ब्लॉकचेन को पाएंगे। तो सर की सोच है वो हमारे भले के लिए इतना आगे तक सोचते हैं वो, कि उन्होंने पहले से ही डेवलपर्स को हायर कर रखा है और उनसे इंटरव्यू भी ले चुके हैं। इसका रिजल्ट अभी आपको आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए अपने लोगों को हायर कर लिया है, उनका इंटरव्यू हुआ है और वो बस इनिशियल फेज हमारे पार हो चुका है और फाइनली हम इसको डिस्क्लोज करने वाले हैं। बैक ऑफिस पर आपको न्यूज आ जाएगी जैसे ही हम फाइनल कर देंगे, बट अभी तक हम अंडर प्रोसेस है। और इससे क्या होगा, हम दुनिया का सबसे एडवांस प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन को हम अपने एक नए रूप में देख पाएंगे, हम अपने नए रूप में देख पाएंगे। अभी हमारा क्या है कि आप लोग जानते होंगे कि 8 जनवरी 2020 को हम सेकंड फेज में हम पब्लिकली अपने आप लॉन्च किया और हम इथेरियम ब्लॉकचेन पे आ गए, हमने इथेरियम ब्लॉकचेन पे अपने आप को शिफ्ट किया हुआ है। बट वो एक टेम्प्रेरी है, वो टेम्प्रेरी समय के लिए, क्षण भंगुर समय के लिए हमने इथेरियम प्लेटफॉर्म को यूज किया हुआ है, क्योंकि इथेरियम प्लेटफॉर्म थोड़ा ज्यादा एडवांस है बिटकॉइन की तुलना में, हम इथेरियम को यूज कर रहे हैं, बट वो भी एक अंत नहीं है। उसके बाद हमने अपने 9 मार्च को सिर्फ 2 महीने के बाद हमने इंटरनली अपने एक्सचेंज लॉन्च कर दिया और ये भी अंत नहीं है, हम अपने नई टीम को, नई टीम के साथ एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा सुगम होगा, बहुत ज्यादा इजी होगा आपको उसमें यूज करने के लिए और आप लोग उसका बेनिफिट देख पाएंगे कि कैसे आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं फिर से बताऊं, आपको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को समझना होगा, ये सिर्फ एक करेंसी नहीं है या सिर्फ क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन सिर्फ एक ऐसा स्कैम नहीं है जिसमें सिर्फ क्रिप्टो करेंसी चलती है, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आगे चल करके आपके ब्लॉकचेन से ही रन होंगे और आप लोग जितना सर्च करेंगे इंटरनेट पे, गूगल करेंगे, आप देख पाए जानेंगे अमेरिका की मैक्सिमम कंपनीज ब्लॉकचेन पे ही काम करती हैं। तो इसका मतलब अमेरिका, हम जैसे हम कहते आ रहे हैं कि यूरोप, एशिया और वेस्ट जो कंट्रीज हैं वो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। क्यों आगे हैं? क्योंकि उनकी सोच बहुत ज्यादा आगे तक है, वो आज नहीं आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनको पता है कि ब्लॉकचेन आगे चल के क्या होने वाला है। तो ब्लॉकचेन के बेनिफिट को देखते हुए उन्होंने, अमेरिका ने अपने यहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज को ब्लॉकचेन पे उतार दिया है। और बहुत बड़ी कुछ खबरें आपको दूं मैं, इंडिया में भी ब्लॉकचेन एक बहुत अच्छे से फ्लो हो रहा है, काफी सारी कंपनियां ऐसी हैं, काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ब्लॉकचेन के थ्रू ऑलरेडी रन कर रहे हैं। और जब से इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से अपनी आदेश दिया है कि हमें क्रिप्टो करेंसी से रोक हटाते हैं, ब्लॉकचेन का यूज बढ़ने वाला है। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन दोनों डिफरेंट है, ब्लॉकचेन एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत क्रिप्टो करेंसी उसमें रन करती है। तो ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी मत समझिए, ब्लॉकचेन एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सहूलियत प्रदान करता है, जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से आप अपनी क्रिप्टो करेंसी हो, आपके प्रोजेक्ट्स हो, आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो, उसके थ्रू आप फ्लोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, और जैसा कि आपको खबर होगी 9 मार्च को, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, 9 मार्च को हमने अपना इंटरनल एक्सचेंज ओपन कर दिया है और ओपन करने के बाद उसमें क्या हुआ है आपको कि हम अपने सीआरओ को रिलीज कर पा रहे हैं, जितने हमारा वेट खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, जितने भी लोगों ने फर्स्ट स्टेज में लिया था और जिनको भी था कि हम कब इसको रिलीज कर पाएंगे, वो डेट, वो घड़ी, वो लम्हा आ चुका है और 9 मार्च के बाद से अब तक काफी सारे लोगों ने अपने सीआरओ को रिलीज करके बेनिफिट उठा लिया है। उनको बोनस में, उनको बोनस अकाउंट में यूनिट्स आ चुकी हैं और जिसको वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से EIP पैकेज की EMI पे करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए उनको ऑप्शन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, वो लम्हा आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है इसका, जितने भी लोगों, सब लोग वेट कर रहे थे साल भर से, वो वेट टाइम आ चुका है, हमारा एक्सचेंज ओपन हो चुका है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं, चूंकि मैं इसके बाद हमारे गेस्ट आने वाले हैं, तो जैसे मैं बताऊं उनके बारे में आपको, मैं आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फ्रेंड्स आपको मेरी आवाज आ रही है, प्लीज 1 प्रेस करिए, क्योंकि अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताऊं मैं, अब आगे बढ़ता हूं मैं। वेरी गुड। तो मैं थोड़ा आपको डिटेल बता दूं कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक्सचेंज का यूज वही कर पाएंगे जितने की आपकी KYC पूरी होगी,
अभी बीच में एक न्यूज आई थी और बहुत ज्यादा लोगों ने कॉल भी किया था, चैट सपोर्ट भी बात कर रहे थे सर केवाईसी को लेकर के। आपको पहले जैसे किसी पार्टनर को इन्वॉल्व करना है, आपको उसमें केवाईसी उनकी करवानी है, बिना केवाईसी किए आप उसमें आगे ना बढ़िएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ उसमें। और फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मैं कुछ इसको नेट सही कर रहा था अपना, तो मैं आगे चलता हूँ मैं, क्योंकि हमारे वेट कर रहे हैं, हमारे जो गेस्ट अपीयरेंस जो जिनको हम लाने वाले हैं वो वेट कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं। नाउ अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ अब्दुल हमीद सर से। अब्दुल हमीद सर हमारे आज के गेस्ट हैं और आज के आपको इंटरनल एक्सचेंज में कैसे अपने सीआरओ को रिलीज करना है उसके बारे में आपको बताएंगे। और सर बैंगलोर से हैं और बहुत अच्छी समझ रखते हैं क्रिप्टो करेंसी और इस मार्केट को बहुत अच्छी समझ रखते हैं। तो जैसे ही मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करता हूं, ये आपको अपना परिचय खुद देंगे, तो अब मैं इनको होस्ट बनाता हूं ताकि आपको सीआरओ कैसे रिलीज करना है प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो प्लीज आप सब लोग उसको वॉच करिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल हमीद सर से कि वो अपना हैंड रेज करें। मैं अब्दुल हमीद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हैंड रेज करें ताकि मैं उनको वेट वेट मैं उनको सर्च कर रहा हूं। अब्दुल हमीद सर आपको मैं प्लीज आप मुझे मैसेज करिए ताकि मैं आपको इसमें देख पाऊं। अब्दुल सर प्लीज मुझे मैसेज करिए, यहाँ पर आप 1 या 2 कुछ प्रेस करिए ताकि मैं आपको होस्ट बना पाऊं। ओके वेरी गुड, मैंने आपको पहचान लिया। वेट मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। प्लीज फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना हैंड को लोअर कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए ताकि मैं पहचान पाऊं, ताकि जल्दी जल्दी हम कार्यक्रम को खत्म कर सकें, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत देर से स्टार्ट किया हुआ है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है आप अपने अपने हैंड्स को लोअर हैंड पे क्लिक करके हैंड लो कर दीजिए अपने। फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है ताकि मैं जल्दी उसको पहचान पाऊंगा, तो उनको मैं पूछ बना पाऊंगा ताकि आपको बता पाएंगे वो कि कैसे अपने सीआरओ को हमें रिलीज करना है। फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने हैंड्स को लोअर हैंड पे क्लिक करके हाथ नीचे कर लीजिए ताकि मैं पहचान पाऊं अब्दुल सर को, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्स मोर देन 600 लोग यहाँ पर हैं, तो 600 लोगों में से मुझे एक पर्सन को सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज अपने लोअर हैंड्स को क्लिक करिए।
वेरी गुड वेरी गुड। वेट वेट मैं एक्चुअली हमें सर मैंने आपको देख लिया हमें सर मैंने आपको देख लिया बट वेट एक्चुअली मैं होस्ट अभी नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। ओके गुड गुड अब्दुल सर अपने हाथ ऊपर करिए। अब्दुल सर अपने हाथ लो हैंड रेस करिए। एक्चुअली हम मल्टीपल पीपल्स के हैंड मैंने सबके हाथ लोअर कर दिए हैं अब अपने हाथ ऊपर करिए सर। अब्दुल सर हाँ सर मैंने आपको देख लिया है एक्चुअली यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसमें आपका अभी करंट में ओके okay, अब्दुल सर आप होस्ट बन चुके हैं। थैंक यू भावना मैम थैंक यू आपने अब्दुल सर को होस्ट बना दिया है। अब्दुल सर अब आप कैरी ऑन और बेस्ट ऑफ लक अपना माइक ऑन करिए अपना माइक ऑन करिए अब्दुल सर। ओके okay. अब्दुल सर कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड सर और मैं बताऊं सर काफी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं आपका कि कैसे आप आकर के आप सीआरओ को रिलीज करना बताएं तो सब लोग उसी का वेट कर रहे हैं। मैंने काफी टाइम थोड़ा आज फिल कर दिया तो प्लीज कैरी ऑन सर बेस्ट ऑफ लक। गुड इवनिंग सब लोगों को। मेरा नाम हमीद है मैं बैंगलोर से हूँ और मेरा रैंक है यहाँ पे टॉप मैनेजर फॉर द पार्टनरशिप प्रोग्राम टॉप मैनेजर है और माई टॉप फॉर द पार्टनरशिप प्रोग्राम ऑफ द न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी और मैं क्रिप्टो एंथुसियास्ट हूँ बहुत सालों से। ठीक है मैं आपको एक्चुअली एक चीज बताऊंगा अभी कि हम सेकेंड फेज में और बहुत हम नेक्स्ट लेवल में चले गए हैं। हमारा लॉन्च ऑफ इंटरनल सीआरयू एक्सचेंज ऑलरेडी लॉन्च हो गया है हमारा एक्सचेंज। ठीक है और हमारे जो इंटरनल एक्सचेंज में जो है ना बहुत सारे सिनेरियोज हैं। ठीक है ये और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा मेन चीज़ इसमें क्या है कि ये जो हमारा जो एक्सचेंजिंग है ठीक है यूनिट टू सीआरयू पॉइंट सीआरयू पॉइंट टू यूनिट और ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज वालों के लिए नहीं है ये हमारे सब लोगों के लिए है। जितने भी हमारे 12 मिलियन से ज़्यादा जो भी हमारे 12 लाख से ज़्यादा जो भी लोग हैं ठीक है 12 लाख से ज़्यादा जो भी लोग हैं उन लोगों के सब लोगों के लिए ये एक्सचेंज आप सब लोग कर सकते हैं एक्सचेंजेस के अंदर। ठीक है सब लोग ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ जो फर्स्ट स्टेज में जो मार्च में जो लिए हैं जो फर्स्ट स्टेज में जो उनके अनब्लॉक हैं सीआरयू उनके लिए नहीं है सब लोगों के लिए है। ठीक है फॉर एवरीवन तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा जो हमारा इंटरनल एक्सचेंज में हम लोग अभी मार्केट में यूनिट टू सीआरयू पॉइंट कैसे एक्सचेंज हम कर सकते हैं। ठीक है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। देखिए एग्जाम्पल आपके पास जैसे आप मार्केट में यूनिट टू सीआरयू आप उसको एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपके पास बैलेंस रहना चाहिए यूनिट बैलेंस। ठीक है तो देखिए पहले आपको जाना पड़ेगा पोर्टफोलियो पे आप एक प्रेस करेंगे अगर आपको ये मेरा विंडो दिख रहा है प्लीज प्रेस वन अगर आपको मेरा विंडो दिख रहा है। ओके थैंक्स ओके अभी देखिए जो फर्स्ट जो हम मैं आपको एक सिनारियो बताऊंगा। ठीक है इसमें फर्स्ट सिनारियो ये यूनिट टू हमको सीआरयू पॉइंट
एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास यूनिट्स रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी देखिए आप सॉरी पोर्टफोलियो में जाइए, पोर्टफोलियो में आपको जाना है और उसके बाद आपके यूनिट्स बैलेंस यूनिट्स आपके पास रहना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ना सीआरयू एक्सचेंज, यहाँ पे जो हमारा इंटरनल एक्सचेंज है ना, ठीक है, उसका पोर्टफोलियो में जाने के बाद आप सीआरयू एक्सचेंज पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद हमारा एक विंडो ओपन होगा वो जो है इंटरनल एक्सचेंज का, ये देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, तीन ऑप्शन, ऑल ऑफर्स, माई रिक्वेस्ट, माई एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें आपको अगर एक्सचेंज करना है यूनिट से सीआरयू पॉइंट, आपको पहले पब्लिश एन एप्लीकेशन करना है, मतलब आप ले रहे हो टोकन्स को, वो सिनारियो में वो चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो है आप आए यहाँ पे एक्सचेंज पे, ठीक है, समझे, एग्जांपल मैं आपको एक ट्रेड करके दिखाऊंगा आपको, मतलब यूनिट से सीआरयू एक्सचेंज करके दिखाऊंगा मैं आपको। एग्जांपल मैं 5 यूनिट्स में यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको 5 यूनिट्स में कितने रेंज में कितने टोकन्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं पूरे 48 ले लूँगा, ठीक है, यहाँ पे 32 to 48 है, राइट, आई टेक ऑल, तो आप भी कर सकते हो। तो अभी मुझे मार्केट सेलेक्ट करना है, ठीक है, मैं यूजर्स का P2P आपको दिखाऊंगा बाद में, अभी मैं मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो यूनिट से मैं सीआरयू टोकन ले रहा हूँ, राइट। तो अभी इसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे बैलेंस में मेरे पास यूनिट्स हैं और ये जो एक्सचेंज फीस 0.25 आपको ऐड हो जाएगी, ओके। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये सारा चीज़ आप देख लीजिए, यूनिट्स अगर आपको लेना है, टोकन्स लेना है, एक्सचेंज करना है यूनिट से सीआरयू, तो आपको यहाँ पे यूनिट डालना है और यूनिट से आपको यहाँ पे टोकन के रेंज दिखेंगे। मैं पूरे टोकन ले लूँगा, मेरे 5 यूनिट्स में मेरे इतने आ रहे हैं, ठीक है, तो 48 टोकन्स, तो उसमें बैलेंसिंग 5.5 यूनिट्स के प्लस 0.25 मुझे जो है नी एडिशनल ये फीस दिखाई दे रही है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद आपको करना है, आपको डेट आपको चूज करना है, 15th आज के डेट नहीं, थोड़ा आगे का डेट आप डाल सकते हो कि उसके वो विंडो में आपका मैच हो जाएगा ट्रेड। यूजली यूनिट टू सीआरयू जल्दी मैच हो जाएगा क्योंकि बायर्स मतलब एक्सचेंजिंग यूनिट टू सीआरयू एक्सचेंजिंग बहुत कम कर रहे हैं, वही हम लोगों को करना है अभी फिलहाल। मैं 17 डाल दिया, आप 16 भी डाल सकते हो, ठीक है, और इसको मैं अभी पब्लिश करना है, मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे पब्लिश करना पड़ेगा, राइट। ये देखिए एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो मैंने इसको जो है ना यूनिट से सीआरयू मैंने एक्सचेंज किया, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट पे देख सकते हो कि इसका स्टेटस क्या है, ये देखिए यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट में चला जाएगा ये ट्रेड, और उसके बाद आप एक्सचेंज में भी देख सकते हो, ये देखिए कंप्लीटेड, ठीक है। और इसके बाद जो इसका जो नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे जो बुलेटिन है ना, बुलेटिन पे भी जाके आप देख सकते हो, उसके सारा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया लेटेस्ट एक्सचेंज। यहाँ पे आप ऑल ऑफर्स पे क्लिक करोगे ना आप, तो आपको ये सारा चीज नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा कि आपका वॉज मेड, ओके, 21 सेकेंड अगो एन एक्सचेंज ऑफ 48 यूनिट्स पॉइंट्स फ्रॉम 5 यूनिट वॉज मेड, ये हो गया। ये देखिए आप माय रिक्वेस्ट में अगर आप जाके देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे वो नहीं है अभी क्योंकि आपका कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया यूनिट से सीआरयू टोकन, आपको आपके पास सीआरयू टोकन अभी आ गए, वो जाके आप देख सकते हो, अभी पोर्टफोलियो में जाके आप देख सकते हो आपके पास टोकन अवेलेबल है नहीं, जो जितने भी आपने 48 टोकन आप लिए थे, ओके। ये देखिए मेरे पास 52 ऑलरेडी, मेरे पास 4 टोकन ऑलरेडी थे, तो ये देखिए 52 उसके अंदर 48 प्लस हो गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही आप टोकन एक्सचेंज करने मतलब यूनिट से सीआरयू पॉइंट एक्सचेंज करने के बाद, ठीक है। अभी इसमें और एक सिनारियो है, नेक्स्ट सिनारियो मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट सिनारियो है आपका सीआरयू पॉइंट टू यूनिट, ठीक है, ये जो है ना यही मैं बता रहा था, बहुत लोग कन्फ्यूजन है कि मतलब बस सीआरयू पॉइंट यूनिट से फर्स्ट स्टेज वाले ही दे सकते हैं, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं सीआरयू टू यूनिट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है,
अगर नया रजिस्टर हो रहा है वो भी अगर यूनिट्स ऐड करेंगे अपने वैलेट में तो वो भी ट्रेड कर सकता है, वो भी यूनिट टू सीआरयू पॉइंट एक्सचेंज कर सकता है और सीआरयू पॉइंट टू यूनिट एक्सचेंज कर सकता है। एक्चुअली अगर मैं बोलूंगा जनरली यूजली यूनिट टू सीआरयू बाय बोल सकते हो, सीआरयू पॉइंट टू यूनिट सेल, ठीक है। तो ये जो है ना सारे लोगों के लिए सीआरयू पॉइंट, अभी मैं बता रहा हूँ सीआरयू, अभी हम क्या करेंगे सीआरयू पॉइंट से यूनिट को एक्सचेंज करेंगे, ये भी मैं मार्केट में दिखाऊंगा, ये भी एक सिनारियो है। टोटल तीन सिनारियो है हमारे इंटरनल एक्सचेंज में, बहुत सिंपल एक विंडो में बनाया है, ओके। क्योंकि एक हमारा ये भी जस्ट शुरुआत है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट सिनारियो है हमारा सीआरयू एक्सचेंज का, फिर से पोर्टफोलियो भी जाना है आपको, सीआरयू एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पे फिर आपको एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, सॉरी नॉट एक्सचेंज, पब्लिश एन एप्लीकेशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ सीआरयू। तो यहाँ पे आपको क्या है, पहले जो मैं दिखाया आपको यूनिट टू सीआरयू, अभी आपको मैं दिखाऊंगा सीआरयू पॉइंट टू यूनिट्स। सीआरयू पॉइंट को आप टोकन्स को यूनिट्स के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, ओके। तो सिंपल मैं आपको 50 टोकन्स मेरे पास हैं, ठीक है, तो 50 टोकन को मैं मार्केट में भेज रहा हूँ, राइट, 50 यूनिट सीआरयू पॉइंट टू यूनिट के साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप खाली जगह पे क्लिक कर दो तो उसके रेंज में आपको कितने यूनिट्स मिलने वाले यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए 5 to 7.87, ठीक है। तो मैं इसमें यूजली क्या है, एक्चुअली एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब सीआरयू पॉइंट टू यूनिट्स एक्सचेंज नहीं हो रहे, ठीक है। तो यूजली क्या होता है, टेक्निक्स क्या होते हैं, आप इवन इवन टोकन डाल दो, इवन या इवन टोकन मतलब 50, 100, 200, 2000, मतलब ये जल्दी मैच हो जाते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है जो इंटरनल एक्सचेंज मैंने किया था, अभी हम 50, ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है कि मतलब एक्सचेंज करने के लिए मतलब बायर्स बहुत कम है, मतलब यूनिट्स टू सीआरयू पॉइंट एक्सचेंजिंग बहुत कम हो रहा है। तो आप 50 टोकन डाल दीजिए, अभी हम यहाँ पे टोकन हम सेल कर रहे हैं, सीआरयू पॉइंट टू टोकन एक्सचेंज कर रहे हैं, अभी सीआरयू पॉइंट टू यूनिट एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम यूनिट डाल दिए सीआरयू पॉइंट 50 यूनिट डाल दिए, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे ये देखिए इन द अमाउंट ऑफ, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका आपके 50 यूनिट जो है ना कितने रेंज में हम यूनिट हम ले सकते हैं। तो मैं 7 यूनिट डाल दूंगा, मतलब 50 टोकन के 7 यूनिट्स, ये 7 यूनिट्स यहाँ पे आ गए, राइट। तो ये एक मार्केट में हम कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये भी मार्केट का सिनारियो है। तो इसको अगर आपको सेल करना है 50 सीआरयू पॉइंट को यूनिट के साथ एक्सचेंज करना है, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा विंडो दे सकते हैं। सो अभी आज 15th है, तो 16-17 आप इसको दे दो, ठीक है। अगर वो मैच हो जाएगा आपको मेल भी आ जाएगा, और यहाँ पे माय रिक्वेस्ट में वो रिक्वेस्ट रहेगा नहीं, ये देखिए अभी आप हम लोगों को पब्लिश करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हम लोग कितना एक टोकन कितने में है, 0.14 यूनिट्स, ओके। और ये हमारा कमीशन है, सारा चीज़ आपको दिखाई देगा ये डिटेल्स ब्रीफ में नीचे। तो अभी मैं इसको पब्लिश करता हूँ, ये देखिए सीआरए पॉइंट 50 टोकन 7 यूनिट से। अब चाहे तो अगर आपको जल्दी उठना है ट्रेड तो 6 भी डाल सकते हो, कभी कभी जल्दी उठ जाता है, यहाँ पे 7 दिखा रहा है तो आप 6 डाल सकते हो, तो मैं 6 ही डाल देता हूँ। पब्लिश द एप्लीकेशन, फिर पब्लिश करना है आपको, ये मार्केट में जाएगा, ठीक है। मार्केट में ये जो है ना ऑफर्स चलते रहते हैं, ये बैकग्राउंड में हो रहा है, तो इसको आप मैच हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप, वही बता रहा हूँ थोड़ी टेक्निक्स हैं इसके अंदर, तो आप इवन नंबर डाल दो टोकन्स के, वो थोड़ा जल्दी मैच हो रहे हैं, जहाँ तक मेरा इंटरनल मेरा एक्सपीरियंस है जो 2-3 दिन से मैं कर रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा सीआरयू पॉइंट टू यूनिट्स का ये जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट क्रिएट हुआ है, और नेक्स्ट माय एक्सचेंज में भी आप उसको देख सकते हो, डन हुआ या नहीं हुआ, ये स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा एक्सचेंज में, माय एक्सचेंज के अंदर आपको पता चल जाएगा कि भाई डन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, माय रिक्वेस्ट से अगर जैसे ही चला जाएगा
ठीक है, आपका शेयर पॉइंट आपके सेल हो जाएंगे, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सिनारियो हो गया। आप प्लीज प्रेस वन करो अगर किसी को समझ में, अगर ये समझ में आया ये चीज जो मैं आपको ये सिनारियो दिखाया मैं आपको जो भी अभी जस्ट। नेक्स्ट, इसके बाद मैं जाऊंगा पी टू पी में। प्लीज एक प्रेस करना अगर ये सिनारियो आपको समझ में आया नहीं है। मैं चार्ट में देख पा रहा हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट सिनारियो है हमारा यू नीड टू शेयर यू पॉइंट, ये पी टू पी है। पी टू पी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी पी टू पी में क्या होता है, आपको पर्सनली ऑफर करना पड़ेगा। ठीक है, या नहीं तो आपकी अगर टीम है, आप टीम में आप एक ग्रुप बना लो, उसके अंदर आप ऑफर करो प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट डिस्कशन करो कि मतलब मुझे, मैं इतने शेयर यू पॉइंट मैं दे रहा हूँ, तो आप जो है वो सारा चीज आप मतलब उनको एक शेयर यू पॉइंट टू यूनिट इतने मिल रहे हैं, इतने टोकन, तो आप एक ग्रुप भी बना सकते हो, उसके अंदर ऑफर कर सकते हैं पी टू पी का। यानी तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके उनके पर्सनली प्राइवेट मैसेज में आप उनके साथ ऑफर डील कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद पी टू पी का ट्रेड कैसे करते हैं, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जो है आपका, फिर वही पे जाना पड़ेगा आपको, पोर्टफोलियो सीआरयू एक्सचेंज पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। एक मिनट, ओके फाइन। तो अभी मैं आपको पी टू पी में दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिश एन एप्लीकेशन, ये जो है मैन टू मैन डील हम कर रहे हैं, पीयर टू पीयर। तो यहाँ पे क्या होता है आपको, ये देखिए, अगर मुझे यहाँ पे यहाँ पे मुझे अभी किसी को टोकन मतलब एक्सचेंज करना है यूनिट से सीआरयू पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूनिट डालूंगा, एग्जांपल मैं 5 यूनिट दे रहा हूँ। ठीक है, 5 यूनिट में मुझे टोकन्स, 5 यूनिट में टोकन मुझे 48। हेलो, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पी टू पी में आपको क्या करना है, अगर आपको यूनिट से सीआरयू पॉइंट एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो आप जो सेलर है, जो हेलो, हाँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो यूनिट यूनिट जो है, जो हमारा यूनिट से आप सीआरयू पॉइंट एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो सेलर है तो उससे बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका यूजर नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो वो बंदा एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगा। तो एग्जांपल मैं देखिए, मैंने सीआरयू पॉइंट उनको दे रहा हूँ, 5 यूनिट से मैं सीआरयू पॉइंट एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो अभी 5 यूनिट्स में हम लोगों को कितने मिल रहे हैं, 48 टोकन्स अगेन। ठीक है, 48 टोकन। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यूजर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूजर सेलेक्ट करूँगा, तो जो मुझे दे रहा है सेल कर रहा है, ठीक है, जो सीआरयू पॉइंट मुझे सीआरयू टोकन मुझे मुझे जो यूनिट दे रहा है, ठीक है, तो उसका मुझे यूजर नेम डालना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, जो मेरे पास बैलेंस है और 5 यूनिट्स का, और यहाँ पे जो एडिशनल हमारा जो फीस है। ठीक है, अभी मैं पी टू पी कर रहा हूँ इसको, तो हम लोग जो है इसको 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 भी आपको डेट देना पड़ेगा। ठीक है, आप 16 देख, इसको इमीडिएट हो रहा है तो आप 15 इसको कर सकते हो, आज ही कर सकते हो। तो मैं दिखाऊंगा, जैसे मैं यूनिट्स, जैसे मैं टोकन जो है, ठीक है, जैसे मैं यूनिट टू सीआरयू पॉइंट एक्सचेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, यूजर नेम मैं डाल दिया यहाँ पे,
ठीक है, और इसको मैं पब्लिश करता हूँ। ये देखिए पब्लिश हो गया, ठीक है। तो अभी मुझे जो जो बंदा मुझे सेल कर रहा है, ठीक है, सीआरयू टोकन, तो वहां पे उसके उसके लॉगिन को मुझे मतलब मेरा ही है वो, वहां पे मैं लॉगिन करूंगा। वहां पे मुझे कैसे एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, मैं बताता हूँ, बताऊंगा मैं आपको। फिर यहाँ पे पोर्टफोलियो जाना, पोर्टफोलियो भी जाना पड़ेगा आपको, ओके, सीआरयू एक्सचेंज, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे माय एक्सचेंज में आपको एक नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, ये देखिए ये नोटिफिकेशन आया यहाँ पे, वन बोल के आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए माय एक्सचेंज में, और यहाँ पे आपको एक्सचेंज को रिफ्यूज भी कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि माई अभी इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, ये देखिए इसको इसके ऊपर क्लिक करो, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन, आप इसको ओके कर सकते हो, ठीक है, तो ये ट्रेड हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन सक्सेसफुल एडेड फॉर द प्रोसेसिंग। ठीक है, ये ट्रेड हो गया, ये है पी टू पी, हम इस तरह से हमको करना है पी टू पी के लिए। एक मिनट फिर से आपको, ये सिर्फ आप यूनिट से सीआरयू पॉइंट इतना ही कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज हो गया। अभी इसके बाद मैं आप और एक चीज इसके फायदे बताता हूँ कि देखिए ये एक चीज बताता हूँ मैं, आप एक्सचेंज जो है सब लोगों के लिए, एक्सचेंज इज फॉर एवरीवन, ठीक है, एक्सचेंज इज फॉर एवरीवन, सब लोग इसमें न्यू रजिस्टर जो किए हैं वो भी लोग इसमें रजिस्टर करके यूनिट्स ऐड करके इसको आप ले सकते हो टोकन्स अब, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अब आप लेंगे सीआरयू पॉइंट, ठीक है, आज आप सीआरयू पॉइंट लेंगे, कल हो सकता है जैसे आउटर एक्शन में जाएगा वो स्काई रॉकेट भी प्राइसेस जा सकते हैं उसके, ठीक है, तो इसके लिए बोलता हूँ अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक्सचेंज में आप सीआरयू पॉइंट लेने के लिए, ठीक है, सीआरयू टू आप यूनिट से सीआरयू पॉइंट आप एक्सचेंज कर सकते हो, ओके, अब इस टाइम पे, बाद में आप जैसे ये फेज टू जैसे ही फेज चेंज होगा, मतलब फेज से अभी फर्स्ट स्टेज में है, सेकेंड स्टेज चेंज होगा तो प्राइस बढ़ते रहेंगे, ठीक है, उसका भी मैं अभी एक दिखाता हूँ, तो अभी जो प्राइस जो क्या प्राइस चल रहा है एक चीज आपको वो भी एक दिखा देता हूँ। ये देखिए सीआरयू पॉइंट जो है, आप यहाँ पे ऐसी आप एक टोकन डाल दो यहाँ पे, वन टोकन, ठीक है, ये देखिए 0.16 का एक टोकन का भी वैल्यू है, लेकिन ये पहले जो है ना जिस 9th मंथ में जब लॉन्च होता है 0.14 मुझे दिखा रहा था, ठीक है, प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है, तो आपको वही बता रहा हूँ मैं कि मतलब ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको अगर यूनिट से सीआरयू पॉइंट अगर एक्सचेंज करना है जो भी करना है अभी शुरुआत कर लो, क्योंकि देखिए अगर 12 मिलियन हमारी 12 मिलियन की हमारी कम्युनिटी है, ठीक है, हर एक बंदा भी अगर एक एक ट्रेड लगाएगा यूनिट से सीआरयू पॉइंट, ठीक है, हमारा डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है, और फिर बाद में से हम लोगों को बैलेंसिंग करना है हमारे इंटरनल एक्सचेंज, हम लोगों को मास्टर बनना है इस इंटरनल एक्सचेंज के साथ, क्योंकि आगे जाके हम लोगों को फायदा होगा आउटर एक्सचेंज में, ठीक है, जैसे ही हमारा ब्लॉकचेन रेडी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम आउटर एक्सचेंज में जाएंगे, तो उसके लिए आप इंटरनल एक्सचेंज में आप अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करेंगे इंटरनल एक्सचेंज को, तो आप जैसे ही हमारा ब्लॉकचेन रेडी होगा आप आउटर एक्सचेंज के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है, तो मैं अभी बता रहा हूँ मैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अभी जो आप जो है ना यूनिट से सीआरयू पॉइंट एक्सचेंज करके रखो तो वो आपको आगे बहुत बेनिफिट देगा, अच्छा फायदा देगा। तो और एक चीज़ देखिए, बाइनांस को जो है, बाइनांस जो टॉप एक्सचेंज है वर्ल्ड का, तो उसको बहुत साल लगे 180 प्लस कंट्रीज में उसका बेस बनाने के लिए, तो हम सिर्फ यहाँ पे एक साल में, ये तो मिरेकल है समझिए, मतलब एक साल में हमारे 150 प्लस कंट्रीज में हमारे यूजर्स हैं, हमारा बेस है,
ठीक है, वहां पे आप सोच सकते हो कि हमारा हम आगे हमारा कितना बड़ा ट्रैफिक आने वाला है। तो हम लोग इसको सीखना है, इंटरनल एक्शन को सीखना है और आगे समझाना है लोगों को। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सब लोगों के लिए। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ, हम लोगों को इंटरनल एक्सचेंज को बहुत अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, बाद में आपको इजी हो जाएगा, इंटरनल एक्सचेंज को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो ये तीन सिनारियो में आप इसको समझ जाओ, जैसे मैं आपको दिखाया आप ये कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ है आप इंटरनल एक्सचेंज को जो है आपको अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, क्योंकि बींग अ को ओनर एंड शेयर होल्डर हम लोगों को ये सारा चीज़ हम लोगों को इसको इस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो वही बताया ना, अगर किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो P2P अपने ग्रुप में आप ये करके ग्रुप ओपन करके आप P2P कर सकते हो, प्राइवेट मैसेज करके आप डिस्कशन कर सकते हो। ओके प्रवीण भाई, वेरी गुड सर, वेरी गुड, और काफी अच्छा समझाया आपने सर। मुझे होस्ट बना दीजिए ताकि मैं आगे मीटिंग को ले जा सकूं। मैंने अपना हैंड रेस कर दिया है। हाँ, मैंने होस्ट बना दिया आपको। नो सर, अभी मैं बना नहीं हूँ। मैं हाँ अभी देखिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, और मैं होस्ट बन चुका हूँ। मैं इस मीटिंग को आगे बढ़ाता हूँ। मैं वापस चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। ओके, तो थैंक यू अब्दुल सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और इस टाइम जब से हमारा इंटरनल एक्सचेंज ओपन हुआ था, हम लोग को अपना जितने भी लोगों ने फर्स्ट फेस में लिया हुआ था, सबको ये रिक्वायरमेंट थी कि हमें कुछ ढंग से हिंदी में बताए कि अपने CRO को कैसे रिलीज करना है ओपन मार्केट में, या हमें पीयर टू पीयर कैसे किसी पर्सन को देना है। तो सर अपना माइक अपना ऑन रखिएगा, अब हम लोग कुछ नॉर्मल कुछ डिस्कशन करते हैं ताकि हम लोग के कन्वर्सेशन से पब्लिक को, जितने यहाँ पे न्यू पार्टनर्स आए हुए हैं, इन्हें कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे, इन्हें कुछ जानकारी मिलेगी। तो सर सबसे पहली बात तो सर मुझे एक आंसर दीजिए कि हम लोग एक्सचेंज से ही CRO क्यों लें। हमारे पास यहाँ पे EIP का भी ऑप्शन है। अब्दुल सर अगर मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज अपना हाथ उठाइए। ओके, थैंक यू। तो सर मुझे सर ये जानना है, ताकि हमारी जो पब्लिक यहाँ पे आए, पार्टनर जो हमारे आए हुए हैं, यहाँ पे काफी नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका टर्न अगले कुछ महीनों में आएगा अपने CRO को रिलीज करने के लिए, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका टर्न ऑलरेडी आ चुका है। तो जिन लोग को इसमें मैं ये बताऊँ कि हमारे पास ऑलरेडी EIP ऑप्शन है, EIP पैकेज के थ्रू हम अपना इंस्टॉलमेंट में पैकेजेस हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सचेंज से लेने में बेनिफिट क्या है, या EIP पैकेज से जाने में लेने में बेनिफिट क्या है सर, प्लीज बताइए। हेलो, पार्डन पार्डन प्रवीण, सर मेरी आवाज आपको आ रही थी? ओके, नाउ इट्स फाइन, अभी फिर ठीक है। तो सर ये जानना है मुझे, मतलब हमारी पब्लिक की जो हमारे पार्टनर आए हुए हैं, कि ये लोग एक्सचेंज से अपने नए पार्टनर को CRO परचेज करवाएं, या EIP पैकेज के थ्रू इंस्टॉलमेंट में, या जो डिफरेंट वहां पर मोड ऑफ पेमेंट, यहां पर मोड ऑफ पैकेज दिए हुए हैं, उसके थ्रू लाना बेनिफिट है, प्लीज बताइए। राइट, देखिए आप एक्सचेंज में, देखिए एक्सचेंज में भी आप एक्सचेंज में ले सकते हो, क्योंकि हमारे नेक्स्ट लेवल है इंटरनल एक्सचेंज, उसमें भी आप कर सकते हो। आप चाहे तो आप EIPs में भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन EIPs में लेने से क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। EIPs में आप जब ले रहे हो तो आपको 350 डेज के बाद आपको अनलॉक हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर 350 डेज के बाद। तो मतलब आपका वहाँ पे होल्डिंग रहेगा तब तक, जब आप आफ्टर 1 ईयर आप 350 डेज के बाद ही उसको जो है ना ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक इतना बढ़िया मौका मिल रहा है इंटरनल एक्सचेंज में, आप जैसे ही रजिस्टर करते हो, आपने ऐड किया यूनिट्स, आप उसको जो है ना स्टार्ट कर सकते हो, आपके होल्ड में नहीं रहेंगे। जैसे आप यूनिट्स से CRO को एक्सचेंज करेंगे, जैसे आज रजिस्टर कर लिया, जो सारे जो हमारे ग्लोबली जो हमारे इंडिया में भी है, जो ग्लोबली जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, CRO पॉइंट टू एक्सचेंजिंग कर रहे हैं हमारे इंटरनल एक्सचेंज में, ठीक है, आजकल मतलब आज बहुत ज़्यादा एक्सचेंजिंग हो रहा है, क्योंकि लोगों को स्लोली शुरुआत में पता चल रहा है। EIPs में आपको 350 डेज में होल्डिंग रहेगा। अब जब डायरेक्ट आपको सीधा आपको टोकन लेना है, ठीक है, तो आप क्या है इंटरनल एक्सचेंज से आप यूनिट से CRO एक्सचेंज कर सकते हो। आप वहाँ पे आपकी होल्डिंग नहीं रहेगी, वो अवेलेबल रहेगा हमें अभी कभी भी, जब तक आप उसको एक्सचेंज नहीं करोगे। तो वहाँ पे एक चीज़ है, आपको होल्ड करोगे, आप उसको बाद में बेचना चाहोगे, जैसे प्राइस अभी देखिए 0.14 से 0.16 अभी ये हुआ है, प्राइस ऊपर गया है, ठीक है, तो आप यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि ये यहाँ पे
हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आप आज आप लेके रखोगे यूनिट से सीआरयू पॉइंट लेके रखोगे, कल वो आउटर अब भी जाएगा थोड़े दिनों के बाद, और आउटर एक्शन में भी, तो आप उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो, मोर देन 100% भी हो सकता है उसका बेनिफिट। तो सर क्या आपका आपके कहने का मतलब ये है कि आज जो पर्सन या इंडिविजुअल मैं अगर एक्सचेंज से अपने सीआरयू को लेता हूं, तो क्या मैं अगले महीने उसको ओपन मार्केट में फिर से उसको मैं रिलीज कर पाऊंगा? हां, नेक्स्ट डे ही आप कर सकोगे, अगर आप एक्सचेंज से ले रहे हो तो हमेशा अवेलेबल रहेगा उसको। वेरी गुड पार्टनर्स, आप लोग सुन रहे होंगे लीडर्स यहाँ जितने भी लोग आप लोग हैं, कि एक्सचेंज से आपको बेनिफिट किया है कि आपको जैसे अपने नॉर्मल जर्नी से क्या था कि आपने जिस स्टेज में आपने लिया हुआ है उसी के एक साल बाद आपको 350 डेज की होल्डिंग के बाद आपको सीआरयू एक्सचेंज करने का या रिलीज करने का मौका मिलता है। बट जितने भी लोग एक्सचेंज से इसको परचेज करेंगे वो एक दिन बाद अपने सीआरयू को तुरंत ही तुरंत उसको दोबारा इसको रिलीज कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात है आप सबके लिए। तो अब्दुल सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि अगर हमारे ईआईपी से लेने पर हमें 350 डेज की होल्डिंग मिलती है उसके बाद हम इसको रिलीज कर पाते हैं, और एक्सचेंज से लेने पर हमें इमीडिएट हम नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ इसको हम रिलीज कर पाएंगे, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि इस पर तो फिर सर हमारे जैसे मैं बताऊं आपको लॉयल्टी में सर क्या असर पड़ेगा, हमको लॉयल्टी मिलती है उसमें हमें क्या बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा? ईआईपीज में तो हम लोगों को वो चीज मिलेगा जो पहले जो था, जो पैकेज जो पहले लोग कर रहे थे, ईआईपीज ले रहे थे, वो जो भी वहां पे जो बेनिफिट्स हैं उसको वहां पे मिलेंगे। ईआईपीज में हम लोगों को लॉयल्टी बोनस जो मिल रहा है, जो फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा वो सभी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है आपको सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ईआईपीज मतलब आप सीधा एंटर करोगे एक्सचेंज में और यूनिट से शेयर पर एक्सचेंज करोगे, तो वो आप यहाँ पे क्या है आपको होल्डिंग नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको होल्डिंग नहीं रहेगा, आप क्या है सीधा डायरेक्ट आप इसको जो है ना अकॉर्डिंग टू प्राइस आपका हो सकता है आपके एक 10-15 दिन में आपके वो जो है ना आपको 50% बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप इंटरनल एक्सचेंज में स्टार्ट करोगे, तो टोकन एक्सचेंज मतलब सीआरयू यूनिट से सीआरयू पॉइंट एक्सचेंज करोगे तो आप बाय करोगे। मींस आपका कहना ये है कि मतलब मैं थोड़ा इसको क्लियर और बताऊं लोगों को, जितने भी पर्संस एक्सचेंज से सीआरयू को परचेस करेंगे उनको लॉयल्टी बोनस नहीं मिलेगा, आई एम राइट अब्दुल सर? यस यस, ओके। उनको उनको लॉयल्टी बोनस नहीं मिलेगा, और वो को ओनरशिप जो हमारे सीआरयू का जो मेन थीम है, जो हमारे न्यू का जो हमारे जो प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हुआ सीआरयू लॉन्च किया गया था एक साल पहले, तो इसका मेन पर्पस क्या था कि हमें दुनिया के बड़े बड़े प्रॉफिटेबल सेक्टर का लोगों को हम को ओनर बनाते थे। बट जितने भी लोग एक्सचेंज से इसको नहीं लेंगे क्या लेंगे, क्या उनको भी ओनरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी सर? नहीं, उनको ओनरशिप नहीं मिलेगी ना। वेरी गुड, उनको ओनरशिप नहीं मिलेगी। मींस ईआईपी पे लेने पर बेनिफिट क्या आपको है, आपको 350 डेज की होल्डिंग तो मिलती है बट साथ ही साथ आपको लॉयल्टी बोनस और को ओनरशिप दोनों का बेनिफिट मिलता है। जितने लोग एक्सचेंज से इसको लेंगे उसको उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उनको बेनिफिट क्या मिलेगा, उनको 350 डेज की होल्डिंग नहीं होगी, वो इमीडिएट नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ इसको सेल कर पाएंगे, अपने इसको रिलीज कर पाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब्दुल सर मुझे कुछ और बताइए, कुछ इसमें नई जानकारी लोगों को दीजिए कि इस एक्सचेंज पर अभी हम इंटरनली इसको हम ट्रेड कर रहे हैं, हम इसको रिलीज कर रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ फिर से 1% लोगों को ओपन हो जाएगा, फिर जब हम अपने कुछ समय बाद जब हम अपने आउटर एक्सचेंज में हम शिफ्ट करेंगे, तो वहाँ आउटर एक्सचेंज में और इंटरनल एक्सचेंज में डिफरेंस क्या होगा? आउटर एक्सचेंज में हमारी और कम्युनिटी बढ़ेगी, इंटरनल एक्सचेंज में जितनी भी हमारी कम्युनिटी है 12 लाख है, पूरी 12 लाख नहीं आएंगे। सो एग्जाम्पल अगर हमारे अगर 20-30% भी आ गए वो भी हमारी कम्युनिटी होगी आउटर एक्सचेंज की, वो सारे दूसरे भी लोग आएंगे, ठीक है, तो दूसरे भी लोग हमारे सीआरयू टोकन के साथ ट्रेड करेंगे, तो वहाँ पे हमारा ट्रेडिंग वैल्यूम हो जनरेट होगा, प्राइस हमारा जाएगा आगे, ठीक है। और जो भी एक्सचेंजिंग हमारा आउटर एक्सचेंज जाएगा वो जो फीस हमारी है, तो फीस में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग जो ये चीज है, ट्रेडिंग जो प्रोफेशनल है, ये नेवर एंडिंग बिजनेस है एक्सचेंज में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर उसमें फिर आपको मैं ये जानना चाहूंगा कि उसमें आपको क्या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि उसमें अगर जब हमारा आउटर एक्सचेंज हम जाएंगे, तो आउटर एक्सचेंज में जाने के बाद क्या उसमें जैसे लाइक बिनांस में आप देखते होंगे आप मल्टीपल लोग उसमें ट्रेडिंग कर पाते हैं, मल्टीपल लोग उसमें आकर के बाय और सेल करते हैं, तो क्या हमारे पे जब हम आउटर एक्सचेंज में जाएंगे तो क्या जो हमारा पार्ट नहीं है, जो लोग हमारे सीआरओ के मेंबर नहीं है, जो हमारे न्यू के मेंबर नहीं है, क्या उसके बाहर के लोग भी उसमें ट्रेड कर पाएंगे? तो अगर वो डिपेंड है, अभी बैक ऑफिस में अभी तक आया नहीं है, ठीक है, मतलब आउटर एक्शन आउट, हाँ अगर आउटर एक्शन में जा रहा डेफिनेटली आउटर एक्शन में जाएगा तो बाहर के लोग भी उसको ट्रेड कर पाएंगे। वेरी गुड, डेफिनेट कर पाएंगे, तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। मींस एक हमें मौका मिल रहा है, हमारी कंपनी को मौका मिल रहा है कि जो उसमें आपका जो नया जो उसमें इंफॉर्मेशन है कि जिसमें जो आउटर एक्सचेंज में जाने पर हमें बेनिफिट क्या होगा कि बाहर के लोग जो बाहर की जो दुनिया है, जो बाहर के जो लोग एक्सचेंज है उनके लोग भी आकर के हमारे इस पे आएंगे, हमारे आउटर एक्सचेंज पर आएंगे, और वो इसके थ्रू अपना
प्रमोट कर पाएंगे, इसको ट्रेड कर पाएंगे। यस एग्जैक्टली। ओके, और फ्रेंड्स मैं आपको एक नई खबर दूं, जस्ट अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि ये अभी ऑफिशियल न्यूज अभी आपको मिल जाएगी, ऑफिशियल न्यूज आपको मिल जाएगी कि जो भी पर्सन एक्सचेंज से हमारे सीआरओ को लेंगे, जो भी पर्सन हमारे एक्सचेंज से हमारे सीआरओ को लेंगे उनको भी प्रॉफिट बोनस और लॉयल्टी बोनस मिलेगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है, जस्ट अभी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली हुई है कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जो हमारे हरविंदर सिंह हरी सर है, मुझे उन्होंने मैसेज करके बताया हुआ है, क्योंकि वो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और उनको भी ये स्पेशली प्रोग्राम उन्हीं के द्वारा रखा गया है कि अब तक बहुत ज्यादा लोग हम लोग सिंगल सिंगल वेबिनार कर रहे थे क्योंकि उसमें लोगों का इंटरेक्शन कम हो रहा था, उसमें लोग कम आ पा रहे थे, तो उसमें कंपनी ने हमारे हरविंदर सिंह हरी सर ने एक नया इनिशिएटिव लिया कि लोगों को कुछ नई नॉलेज दी जाए, नया प्रमोशन किया जाए, लोगों को उसमें ज्यादा अट्रैक्ट किया जाए। सर ने डुअल होस्टिंग का प्रोग्राम बनाया, तो हरी सर ने इसको लॉन्च किया और बहुत बड़ी बात है कि इसमें पहला मौका मुझे और अब्दुल सर को मिला है, तो हम लोग अपने उस प्रयास पे खड़े उतर रहे हैं। हम आपसे वोटिंग कराऊंगा अभी आगे चल करके मैं, बट जो अभी नई न्यूज मुझे हरविंदर सिंह हरी सर ने दिया हुआ है कि जो भी आप पर्सन हमारे एक्सचेंज के थ्रू हमारे सीआरओ को परचेस करेंगे ईआईपी के बगैर भी, जो हमारे एक्सचेंज से लेंगे उनको भी प्रॉफिट बोनस और लॉयल्टी बोनस मिलेगा। बहुत बड़ी न्यूज है ये और इसके लिए आप सबको थैंकफुल होना चाहिए, कंपनी का, हमारे टॉप मैनेजमेंट का, हमारे हरविंदर सिंह हरी सर का, कि उन्होंने ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड किया कि जो ऑप्शन एक्सचेंज के थ्रू नहीं था वो भी हम ऑप्शन हमें मिल गया है। तो थैंक यू हरी सर, थैंक यू हमारे कंपनी के मैनेजमेंट पार्ट, जो हमारे जो भी टॉप मैनेजमेंट बैठे हुए हैं वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं कि जिस जो एक्सचेंज से लेगा उनको बेनिफिट मिलेगा। सर अब मैं फिर से पॉइंट पे आता हूँ मैं, तो सर जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि जो हमारे आउटर एक्सचेंज के लोग जो आएंगे तो उससे हमारी वैल्यू हाई बढ़ेगी, सीआरओ की टीआरपी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक क्या था कि हमारे सीआरओ को जानते हैं सिर्फ 13 लाख लोग, ऑलमोस्ट जो है 13 मिलियन जो लोग हमारे पास है, जो 1.3 मिलियन हमारे पास जो लोग हैं हमारे मेंबर हैं वो लोग सीआरओ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, खरीद रहे हैं और इसको होल्ड करके अपने लॉयल्टी और प्रॉफिट बोनस ले रहे हैं। तो आउटर एक्सचेंज में जाने पर बेनिफिट क्या होगा कि हमारे पास जो आउटर जो बाहर की दुनिया है जब उनके सामने दिखाई देगा कि सीआरओ भी एक होल्डिंग है, सीआरओ भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा टोकन मार्केट में आया हुआ है, उसको देखेंगे, समझेंगे और जो उसमें इंटरेक्ट करेंगे, उसको परचेस करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी सीआरओ की वैल्यू बढ़ेगी, हमारे प्रोजेक्ट भी, जो हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा और उससे आने वाली इनकम भी हमारी बढ़ेगी। तो बहुत बड़ा ये एक प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छी सोच है हमारी कंपनी मैनेजमेंट की कि कैसे इसको और मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल तक प्रमोट किया जाए। तो सर तो अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहें तो बताइए, फिर हम इसको डिस्क्लोज करते हैं, हम इसको खत्म करते हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा सब लोगों को कि हमारी कम्युनिटी को हम लोग सारे लोगों को बताना है कि मतलब इंटरनेशनल में कैसे हम एक्सचेंजिंग करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मतलब आप हम सब लोगों के लिए एक बेनिफिट है कि अगर अभी अगर एग्जांपल अगर 12 लाख भी अगर एक एक ट्रेड लगाने से क्या होगा, अगर 12 लाख लोग एक एक ट्रेड भी अगर लगा देंगे तो इमेजिन करो कितना बड़ा ट्रैफिक आएगा। चलो उतना नहीं तो हम लोगों को हम लोगों को क्या है शुरुआत तो करनी है सब लोगों को, जितने भी आज यहाँ पे लोग हैं वो एक एक ट्रेड भी लगा के देखो यूनिट से सीआरओ पॉइंट एक्सचेंज करके, उनको जरूर देखना चाहिए क्योंकि बहुत मजा आता है इसके अंदर, आप समझोगे तो मजा आएगा, ठीक है। और आप अगर आज नहीं करोगे यूनिट टू सीआरओ पॉइंट एक्सचेंज, कल हमारा प्राइस स्काई रॉकेट जाएगा, तब आप फिर पछताएंगे, मतलब ये वेबिनार हुआ था इस वक्त, इसमें हम लोग यहाँ पे बैठ के बोल रहे थे भाई ये तो होने वाला है क्योंकि हमारा एसेट बेस्ड टोकन है, होल्डिंग से भी हम पैसे मिल रहे हैं, अगर नहीं होल्ड करेंगे तब भी पैसे हम लोगों को मिल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, डिमांड तो होने वाला ही है आगे जाके। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने सर, बहुत अच्छा बताया आपने कि हमें मिनिमम हमें वन सिंगल सिंगल ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी हम लोग सर काफी टाइम से ब्लॉकचेन को प्रमोट करते आ रहे हैं कि ब्लॉकचेन को समझिए, इसको रीड करिए और इसको इसमें घुसिए, इसमें अंदर आइए ताकि आपको मालूम चले कि दुनिया कितनी बड़ी है। अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म देखा नहीं था, अब तक हम लोग ईआईपी पैकेज के थ्रू आ रहे थे, बट अब हमारा 9 मार्च को हमारा लॉन्च हो चुका है, तो आप लोग इसमें एक बार आइए और एक एक सिंगल सिंगल ट्रेड करिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो, और बहुत पहले ट्रेड नहीं कर पा रहे छोटे छोटे अमाउंट की ट्रेड करिए। जैसे अभी अब्दुल सर ने आपको लाइव दिखाया, 5 यूनिट का ट्रिक किया, 10 यूनिट का करिए, 15 यूनिट करिए, छोटे छोटे ट्रेड करिए ताकि हमारे बायर प्रमोट हो, हमारे जब बायर आएंगे, जब बायर यहाँ पे बायर के यहाँ पे संख्या बढ़ेगी तो सेलर भी अपने आप वहाँ पे सेल करेंगे, तो बहुत अच्छे से प्रमोशन हो पाएगा इसका। तो अब सर अब तो सर हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, जो क्वेश्चन अब हम लोग जो पब्लिक पूछ रही है और उसका आंसर हम लोग लेते हैं। ओके नाउ सर प्लीज लीडर्स अपने अपने क्वेश्चन पूछिए ताकि हम लोग उसको आंसर दे पाए। आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब्दुल सर यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, वॉलेट में यूनिट कैसे आता है,
सर इसको बताने के लिए आप प्लीज आप बताइए, ताकि आप इसकी आपके इसमें कमांड है तो आप बताइए वॉलेट में यूनिट कैसे आते हैं। वैलेट में यूनिट्स नहीं, वैलेट में आपको देखिए अगर नहीं है तो आपको ऐड करना पड़ेगा यूनिट्स, ठीक है। अगर आप सिर्फ इंटरनल एक्सचेंज से ले रहे हैं तो उसको आप ट्रेड करेंगे तो आपके यूनिट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज है। ओके, उसके लिए मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे कि अभी हो सकता है इस क्वेश्चन के दो मतलब हो, कि हमें अगर अपने वॉलेट में यूनिट्स को लाना हो, यूनिट्स परचेस करना है कैसे है, तो उसके लिए सर आपके पास टॉपअप ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप क्रिप्टो करेंसी के, हम लोग प्रेफर करते हैं क्रिप्टो करेंसी, हम लोग काफी टाइम से आपको प्रमोट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप इसको यूनिट्स को बाय करिए। उसके लिए आपको अब्दुल सर का मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी दिखाया था, आप लोगों ने हमसे पूछा भी था कि अब्दुल सर कौन है। अब्दुल सर यही है जो आपके सामने आज आपको लाइव उन्होंने प्रैक्टिकल कराया, और जो मैंने आपको वीडियो दिया था वजीर एक्स का, ये अब्दुल सर का बनाया हुआ वीडियो था। तो उसके लिए आपको वजीर एक्स में अपना अकाउंट बनाइए, केवाईसी करिए, से आप अपने इंडियन करेंसी को यूएसडीटी में, और यूएसडीटी से अपने आपको बिटकॉइन या इथेरियम में कन्वर्ट करिए। उसके बाद फिर आप उसको अपने टॉप अप ऑप्शन में जा करके क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप अपनी यूनिट को बाय कर सकते हैं। ओके, अब मैं सर अभी सर मैं आपको नया क्वेश्चन देता हूं, हम लोग नए क्वेश्चन लेते हैं। यूनिट्स को हम पैसे में कब अकाउंट में ले सकते हैं? सर उसके लिए आपको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और काफी समय बहुत जल्द आपको इसके बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी, बहुत अच्छी आपको उसमें एक न्यूज हम देने वाले हैं उसको आगे देखते हुए। ओके सर, आप लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछिए ताकि हम आपको कर सकें, क्योंकि बेसिकली टाइम ज्यादा हो चुका है, और आज कुछ प्रॉब्लम्स टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग आज नहीं कर पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो हमें जल्दी खत्म भी करना है। ओके, 80 से अधिक का रेट लग रहा है वजीर एक्स पे, सर अब्दुल सर प्लीज बताइए। देखिए एक्चुअली वहां पे बायर्स ज्यादा है, ठीक है, यूएसडीटी में बायर का ट्रेडिंग वैल्यूम बहुत हाई हो गई है, इसकी वजह से वो 80 हुआ है, ठीक है। पहले तो 75 से 78 हुआ, 79, मतलब ट्रेडिंग वैल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, हाई ट्रैफिक, मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा हो गए वहाँ पे, इसके लिए वो उतना 80 चल रहा है वहाँ पे। तो उसके लिए आप वहाँ पे अभी INR डिपॉजिट भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वहाँ पे कम पे गिर जाएगा, ठीक है। okay. और मैं आप सबको बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में काफी उथल चल रही है, जो हमारी इंटरनेशनल करेंसी है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल करेंसी है यूएस डॉलर, उसके रेट काफी फ्लक्चुएट कर चुका है। जो रेट काफी टाइम से 69-70 बीच में फ्लोट कर रहा था, वो आज 74-75 का रेट चला गया इंटरनेशनल मार्केट में। उसकी वजह से भी पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस टाइम हर जगह पर फीस का रेट बढ़ चुका है, हर जगह से हमारे जहां पर भी यूएस डॉलर का इंटरप्शन हो रहा है, जहां पर भी हम यूएस डॉलर से ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर वो चीज इस टाइम कॉस्टली हो गई है, चाहे वो फीस हो, चाहे वो पेमेंट हो, एक्सपायर कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं यूएस डॉलर से, सब कुछ महंगा है। तो सेम वजीर एक्स से भी हम जो भी इस टाइम ट्रेडिंग हम यूएसडीटी से कन्वर्ट करते थे इथेरियम में या बीटीसी में, उसकी भी प्राइस हाई हो गई है। तो वेट करिए, बहुत जल्द आप प्लीज, क्योंकि पूरी जो प्रॉब्लम आई हुई है ये कोरोना वायरस की वजह से आई हुई है। आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरे इंटरनेशनल मार्केट को इस टाइम बर्बाद कर रख दिया है, काफी सारी ट्रेड्स, काफी सारे बिजनेस जो वर्ल्ड टू वर्ल्ड, जो आपके डिफरेंट कंट्री टू कंट्री होते थे, सब रुक गया है। इस कोरोना वायरस की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसको हम सब लोग फेस कर रहे हैं। कुछ लोग जान से हाथ धो रहे हैं, कुछ लोग माल से हाथ धो रहे हैं, तो उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स हो रही है, बट फिर भी हमें इसको होल्ड रखना है, हमें पेशेंस रखना है, और हमें प्रे करना है कि जल्दी से सब कुछ सही हो जाए, और ये आपका जो रेट है ये भी सही हो जाए, ताकि हम लोग को कुछ कम कीमत में वो फैसिलिटी हम लोग को मिल पाए। ओके, ये क्वेश्चन सर आया हुआ है आपका, आप देख पा रहे होंगे, एक्सचेंज पर ऑर्डर लगाते हैं तो 0.25% सेंट लगता, ऑर्डर लगता है जो ऊपर चला गया, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सर, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं इसका आंसर मैं पर्सनली मैं देना चाहूंगा कि हमने जब ट्रेड लगाया, जब हमने किया, तो फीस उसकी आपके कट जाती है, अपने वॉलेट से कटती है, बट जब वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो सर उसके लिए क्या है, हमारे पास जैसे मैं अभी हमने बोला कि हम सबको सिंगल सिंगल ट्रेड करना है, एटलीस्ट हम लोग जाने समझे उस चीज को, और उसके लिए क्या है, बायर की कमी, हम क्योंकि इस टाइम क्या है कि आप सबको पता है कि इस टाइम सीआरयू बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा एक आपके इसके ड्रीम्स है, हम सब लोग ने सीआरयू होल्ड रखा हुआ है, क्योंकि हम सबको पता है इसकी वैल्यू क्या जाने वाली है। तो हमारे पास वहां पर अभी बायर्स के ऑप्शंस कमी है, जब वहां पर बायर्स कमी है तो भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारे एक्सचेंज पे बायर्स आ जाएंगे, बायर्स फ्लोट होने लगेंगे, हमारा ही सब कुछ हो जाएगा। सर यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है 29 मार्च को जो हमारा इवेंट होना था वो कब होगा? सर मैं बताऊँ, कोरोना वायरस की वजह से इंटरनेशनल पूरा मार्केट धम डंप है, और हमारे बाहर से लीडर नहीं आ पाए थे, काफी सारे लीडर जो इंटरनेशनल, जो हमारे स्पेशल गेस्ट थे, मिला मैम थी,
एंड्रू हॉक सर थे, हरीन सर थे, वेलेंटीन सर थे, हमारे कंपनी डायरेक्टर मिस्टर हरविंदर सिंह हरी सर थे जो इस टाइम इटली में है, वो 2 दिन एयरपोर्ट पे भी रहे थे। उन्होंने बस ये था कि उसकी परमिशन मिल जाए वो आकर के इवेंट को कम्प्लीट करें, बट हो नहीं पाया था तो ये पोस्टपोन किया गया है 1 महीने के लिए। ऐसे हमारे उस लेवल की गवर्नमेंट जब ये अलाउ कर देगी कि अब हमारा कोरोना वायरस से पूरा फ्री हो चुका है, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, पब्लिक गैदरिंग हमारी अलाउ हो जाएगी, टेम्परेचर उस लेवल पर आ जाएगा, हम इसको दोबारा से ओपन करेंगे। तो जितने भी लोगों ने आप लोगों ने इसको टिकट बाय कर लिया, उसको होल्ड करिए, उसी टिकट से आपकी एंट्री होगी। और जो मैंने भी आपको बताया ऐप के बारे में, उस ऐप को आप लोग प्रमोट करिए, उस ऐप को आप लोग लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल करवाइए, टिकट बाय करवाइए, क्योंकि अब टाइम मिल गया है। पहले टाइम कम था तो हमारे पास टिकट स्पीड कम थी, अब टाइम मिल गया है तो हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे टिकट बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। तो जितने भी लोग आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, जितने भी लोग पास एप्लीकेशन है, अपनी अपनी पूरी टीम को प्रमोट कराइए और टिकट को परचेज करिए, बहुत तेजी से उसकी स्पीड कम हो रही है, टिकट बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं क्योंकि लोगों पास टाइम मिल गया है। हमी सर ने अपना ऊपर नंबर मेंशन कर दिया, प्लीज ऊपर चैट ओपन करके ऊपर से आप देख सकते हैं। सर इन विच ऐप? सर अभी हम आपका वन टीम बस ऐप है, आप मुझे पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको वो ऐप के बारे में लिंक दे दूंगा, आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। मैं आप मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, मैं आपको ऐप का लिंक दे दूंगा और उसको आप इंस्टॉल करना है आपको। इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, मेंबर पे क्लिक करना है और अपने टिकट को बाय करना है, और एक बार में आप 5 टिकट बाय कर सकते हैं। तो अगर आप पूरी टीम के साथ आ रहे हैं, अपनी फैमिली को लेकर आ रहे हैं, तो एक टिकट से, एक आई डी से आप 5 टिकट बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको और टिकट बाय करना है तो उसको दोबारा फिर से आपको अपडेट करना पड़ेगा, दोबारा फिर से आपको टिकट बुक करना पड़ेगा, फिर से आप उसमें एक्स्ट्रा टिकट बुक कर पाएंगे। ओके अब्दुल सर, अब हम लोग थोड़ा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम लोग के भी अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिसाब से हमारी टाइमिंग बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, क्योंकि आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो आप सबसे हम लोग क्षमा मांगते हैं कि आज कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो उम्मीद है कि अगली बार हम लोग इस गलती को हम सुधारेंगे और हम इसको अगली बार अच्छे से लेके आएंगे। और जाने से पहले एक बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए, अभी प्रॉब्लम जो चल रही है कोरोना वायरस की, हम सब लोग दुआ करेंगे, प्रे करेंगे कि आप हम सब लोग स्वस्थ रहें, फिर भी हमें कुछ मैसेज हमें प्रमोट करना है, हम लोगों को बताना है कि हमें इससे बचने के तरीके क्या हैं। और जैसे कि गवर्नमेंट हमारे क्या है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हम जब किसी को कॉल करते हैं तो उसी कॉलर ट्यून में कोरोना वायरस से बचने के लिए मैसेज आता है कि कैसे हमें साफ सफाई पर ध्यान देना है, कैसे हमें लोगों को भीड़ में जाना बचना है, जो आदमी बीमार है वो घर पर रहे, कैसे हमें अपने चेकअप कराने हैं, कैसे हमें लोगों को बचाना है। तो आप लोग प्लीज आप लोग उसको ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और ट्राई करिए जब तक ये मौसम चल रहा है इसमें बचिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिल्ली और आसपास में काफी टाइम से बारिश हो रही है, तो मौसम बिगड़ रहा है। नॉर्मली भी लोगों को खांसी जुकाम होता रहता है ऐसे टाइम पर, तो प्लीज जिसको भी डाउट हो अपने प्लीज चेकअप कराइए और हेल्दी रहिए, और अपने जो भी आपके हाइजीनिक जो भी आपको प्रिकॉशंस लेने लेते रहिए। तो हम लोग अब खत्म करते हैं, तो प्लीज आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने चैट बॉक्स में अब्दुल सर के जो इन्होंने जो एफर्ट लगाया, जो उन्होंने प्रयास किया आपको समझाने का, और जो हम लोगों ने जो बताया, मैंने बताया, तो प्लीज आप लोग बताइए कि आपको ये वेबिनार कैसा लगा। मैं मानता हूँ कुछ काफी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, काफी सारे लेट हो गए थे हम लोग, लेट हम लोग उसमें कर पाए और इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू हो गई थी। तो प्लीज आप लोग अपने वोटिंग दीजिए, आउट ऑफ 10 आप लोगों ने आपको कैसा लगा, 10 में से नंबर दीजिए और बिल्कुल फेयर नंबर दीजिएगा, अनबायस होकर दीजिएगा, ताकि हम लोग उसको कवर करके अगली बार हम उससे अच्छा बेटर बेटर हम कर पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। और जिनके भी क्वेश्चन रह गए हैं मुझसे पर्सनली मुझे व्हाट्सएप या मैसेज करके या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सर आप सबका फीडबैक का और आप सबके सजेशंस का, और जितने भी लोगों को शिकायत है हम लोगों से आज, हम लोगों क्योंकि हम लोगों का समय कम था, हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को पुट अप नहीं कर पाए, उन सबसे आप सबसे क्षमा मांग चाहता हूँ मैं, और अगली बार हम प्रयास करेंगे कि हम आपको अच्छे से उन सबको डील कर पाए। और जितने भी लोगों को प्रॉब्लम है आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं या आप हमारे ऑफिस में दिल्ली ऑफिस में आ सकते हैं, वहाँ पर वहीं पर बैठता हूँ मैं, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। ओके थैंक यू सर। अब्दुल सर थैंक यू आपके गेस्ट अपीयरेंस का, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दिया, और उम्मीद है जैसे आज हम लोग को रिव्यू, जैसे हम लोग को आज रिव्यू मिला है, फीडबैक मिला है आपके लिए, आपने इतना अच्छा दिया, मुझे उम्मीद है कि कंपनी आपको नोटिस करेगी और दोबारा फिर अगले वेबिनार में आपको बुलाएगी। तो हम आपकी दोबारा फिर हम प्रयास करेंगे, दोबारा फिर से हम आपको कष्ट दें और दोबारा आपको बुलाएं, ताकि इंटरनल एक्सचेंज के बारे में और कुछ क्लियरिटी आप दे सकें। ओके थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू प्रेम भाई, थैंक यू सर।